स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे। मुझे ये बता दे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ये बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? चलिए मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे साइंस के। चलिए बता दीजिएगा। बिल्कुल। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए आओ। चलिए आप हमारे साथ बने इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे, जिस पे आप यूपीपीएससी यूपीटीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, पहले आप मेरा नाम देख लो। मेरा नाम है सुशांत रंजन पांडे। ठीक है, बिल्कुल आप ये देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना? आप ये देख सकते हैं, सुशांत पांडे मेरा नाम है। पहले मैं आपको कराने वाला क्या हूँ, साइंस के एमसीक्यू से ये। ठीक है, मेरा नाम आप देख सकते हो, क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, साइंस फैकल्टी 6 साल ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस, बिल्कुल लॉ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं केमिस्ट्री से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप हमारे देख रहे हो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन रॉ फूड आइटम्स कैन बी टेस्टेड बाय। ये देखो कितना बढ़िया दुकान, अच्छा आ रहा ना, एकदम नया वाला तरीका। ये आपके लिए नया तरीका आज निकाला, तो बढ़िया लगा। द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, जो कच्चे खाद्य पदार्थ होते हैं, या ऐसे देख लो, या आप ऐसे कह लो भैया, जो आपका पत्तियां है, ठीक है, देखो जो आपकी ये पत्तियां हैं, ठीक है, आपकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में आपने देखा होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भैया स्टार्च बजाय संचित भोजन क्या होता है? संचित भोजन तो आपका स्टार्च ही होता है। तो आपने देखा कि पत्तियों में भैया स्टार्च पाया गया। ठीक है, ये तो सभी ने देखा कि भैया पत्तियों में स्टार्च आपका पाया गया। ठीक है, अच्छा लगा भाई, महसूस तो अच्छा हुआ होगा सभी को। भैया अगर आप हो तो थोड़ा सा मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि लाइव तो यहाँ दिख रहा है मुझे, ठीक है, बट आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। ठीक है, साधना जी बिल्कुल स्वागत है। ठीक है, तो आप ये चीजें ध्यान देना कि जो ये स्टार्च होता है, स्टार्च का पता लगाने के लिए जो आयोडीन विलयन है उससे पता लगाते हैं। तो होता क्या है, चाहे ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, या चाहे ये आपका ब्लैक कलर देगा, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आपका आयोडीन बिल्कुल इसमें आपका क्या है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। ठीक है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर सिग्नल, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदलता है। क्वेश्चन को समझिएगा, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में यह बदलता है, बताइए। तो आपका ये क्या है भैया, ये आपका ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, यहाँ पे सिग्नल की बात किया है। ठीक है, परिवर्तित तो भैया तीनों करते हैं, माइक्रोफोन आपको पता है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, बट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात किया था किसकी, सिग्नल की बात किया था। सिग्नल की अगर हम बात करते हैं तो भैया आपको जवाब सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लाइसोसोम का नहीं है? ठीक है, ये चार ऑप्शन आप, चलिए बताइए।
चलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बिल्कुल ठीक है, सेल्स को पचा लेता है, ठीक है बिल्कुल आपको पता है। डिस्ट्रॉइंग डैमेज सेल्स, बिल्कुल भैया जो सेल्स आपके डैमेज होते हैं भाई बाबू, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए तो इसको कहते हैं सुसाइडल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, इसीलिए तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या लिखा है, लास्ट वाला एक नाम लिखा है प्रोटीन का संश्लेषण। ये सर प्रोटीन का संश्लेषण कैसे कर देगा, सर प्रोटीन का संश्लेषण तो राइबोसोम का है सर, ये राइबोसोम का काम है ना प्रोटीन का संश्लेषण, तो सर ये कैसे कर देगा, तो पूछा था ना आपसे नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल आपके ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, देश का प्रथम आधुनिक रेशम कारखाना कहाँ खोला गया था, वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट मॉडर्न सिल्क फैक्ट्री ओपन, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है सर, ये बिल्कुल सर हावड़ा है, ठीक है हावड़ा है, 1832 की ये बात है, ठीक है 1832 की बात है भैया, कहाँ पे आपके हावड़ा में, ठीक है इसको तो आपको पता है क्या कहा जाता है, आपको मैनचेस्टर बोला जाता है, किसका मैनचेस्टर आप लोग थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है चलिए, अच्छा एक चीज और, ठीक है बस, बेंगलोर में इसरो का कारखाना है, अगर आपने एक नाम जो ना पेंडी, आपको एक नाम सुन रहा हो ना पेंडी पाथर, अब ये कहाँ है सर, ये मेघालय, ये सर आपके मेघालय, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है आर करेक्ट, बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है, ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में प्रयोग होती है, या पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, बताइए। तो आप यहाँ देखते हैं पश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है, बिल्कुल ये सही है, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश, खरगोश नहीं होता भैया ये आपकी बकरी होती है, ठीक है तो ये कथन आपका गलत हो गया, ऊंट की ऊन कारपेट बनने में उपयोग होती है, बिल्कुल ये सही है, ठीक है पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भी आपको भैया अभी आपने देखा किससे, यहाँ पे बकरी से प्राप्त होती है, ए और सी ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन आपका सही हो। यदि माँ का रक्त समूह ए और पिता का एक बार, यदि माँ का रक्त समूह बी और पिता का ए है तो बच्चे का संभावित रक्त समूह क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर डाल के अपना रिप्लाई करिए आप लोग, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है भैया, मदर का भैया क्या आपका बी है, ठीक है फादर का ए है, ए बी
एओ और ओ, ठीक है, ए बी ए और ओ, मतलब ए बी, ठीक है, यहाँ देखिए, और आपका बी यहाँ पे, ए और यहाँ पे ओ, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। अनिवार्य जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आपको जो है समूह का नाम बताइए जिसमें जिसमें सभी तत्व गैस है, ठीक है, चलिए बताओ किसमें सभी तत्व आपके गैस होते हैं। चल बिल्कुल, तो आपको पता है ग्रुप 18 जिसे हम क्या कहते हैं, इनर्ट, ठीक है, इनर्ट गैसेस कहते हैं इन सभी को, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। पीरियड्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु की किस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है, ठीक है, इसमें अधिकतम संख्या ज्ञात की जाएगी ये बताना है। ठीक चलिए आपको पता होगा, ये आपको पता होगा कैसे कैसे बांटा गया है, अंदर वाले को के, ये आपका न्यूक्लियस हो गया मान, ठीक है, के एल एम और आपका एन, ठीक है, ये आपको ये बांटा गया है के एल एम एन, यहाँ पे एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2n², ठीक है, ये होता है ना के एल एम, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने ये है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, 2 हो गए, और 2 दूनी यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, कितना आ गया, 8 हो गया, 3 यहाँ 9 रखिए, 9 दूनी 18, ठीक है, यहाँ पे 4 रखिए 16, तो 2 × 16 कितना हो गया, 32, मतलब 2, 8, 18, 32 मैक्सिमम कितने आ गए, अगर निकालने हैं तो आपको ये, और कैसे सर, अगर इन चारों में बोलेंगे तो एन, बाकी तो ये चलता रहता है, ठीक है, जितना आगे बढ़ेंगे उतना एन 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए एलपीजी या सीएनजी की बात करें, जब वो कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या बनता है बताइए, जब कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या बनता है, एक कंप्लीट कंबशन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके इनकम्प्लीट अगर होता है तो बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको जैसे ऑटोमोबाइल से अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या है, कि सर तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है अगर इनकम्प्लीट होता है, ये तो पता होगा आपको, ठीक है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है।
चलिए तो बिल्कुल, ये आप ध्यान दीजिएगा आपका क्या क्या बनता है सर। सर CO2 एंड H2O आपका ये बनता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक प्रकार का क्या है? फॉर्मेलिन चलिए, तो भैया ये एक जलीय फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो मैंने आपको बहुत बार बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, मतलब HCHO, ठीक है, अगर आपको जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का, उसी को सर हम बोलते हैं फॉर्मलिन। और किसी चीज को प्रिजर्व करके रखने में ये काम आता है, खासकर जैसे डेड ऑर्गन्स हैं, जैसे आपने लैब में देखा होगा अपने स्कूल कॉलेजेस में कि रखा जाता था, तो वो यही होता है, ठीक है, जलीय फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? साधना जी ऐसे, अच्छा आप अभी 10वें का दे रहे हैं, आपको काफी अच्छा लेट आ रहा है क्या रिस्पॉन्स? ठीक है, ये क्या कहते हैं भैया? ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। ये कहाँ होता है? आपके सिरका में, ठीक है, इसी को कहते हैं इथेनोइक, इसी को इथेनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। साइट्रिक एसिड क्या होता है भैया? खट्टे फलों में, ठीक है, एस्कॉर्बिक विटामिन सी को भैया कहते हैं, ठीक है, तो आपको बचा क्या? लैक्टिक एसिड। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि, बताना है, देर आर मेनी कंपाउंड ऑफ कार्बन बिकॉज, यह एक धातु है और इसकी सहसंयोजकता चार है, यह सहसंयोजक बंध बनाता है, इसे श्रृंखलीकरण की एक प्रवृत्ति होती है, यह यौगिक को ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक इसका कम है, बताइए। बिल्कुल, आपको पता है, ठीक है, तो आपको क्या पता है कि यह एक धातु है, इसकी सहसंयोजकता चार है, बिल्कुल गलत भैया, यह आपका श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति, मैंने क्या पूछा? मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। चल, धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर
अरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, ठीक है, कभी कभी देखा होगा, ठीक है, घरों में कुछ बर्तन होते हैं उसमें आपको देखा होगा एक हरे कलर की परत चढ़ जाती है, वो बेसिकली मतलब किसमें, ऐसा कोई बताओ। बताइए, चलिए तो देखते हैं कि आपका क्या होता है। सर सर ये कॉपर में आपने देखा होगा, कॉपर का जो ये लोटा होता है ऐसा आपने देखा होगा, तो बिल्कुल आपके भैया कॉपर के केस में, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चल अच्छा, जिंक का यूज कहाँ करते हो? ये आपको यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन में, ठीक है, जस्तीकरण, जिसे यशद, ठीक है, जिसे यशद लेपन कहते हैं, ठीक है, जिसे यशद लेपन कहते हैं। बर्तन बनाने के लिए कौन से निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है, बर्तन बनाने के लिए कौन से निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बताइए। नहीं, केमिस्ट्री के नहीं है, मिक्स क्वेश्चन थे, शायद आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया। चलिए तो देखते हैं, सर ये क्या होता है आपका? सर ये सोल्डर होता है। सोल्डर किसका होता है? आपको पता है पीबी प्लस टीन का होता है, लेड और टीन का ये सोल्डर होता है, ठीक है, बिल्कुल। और ब्रास आपके कॉपर एंड जिंक का होता है, ड्यूरेलैम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक है, और आपका कॉपर, आपका मैगनीज, और आपका मैग्नीशियम एंड आपका मैगनीज, जर्मन सिल्वर, आपके कॉपर, जिंक एंड निकेल, इन तीनों का आपको जर्मन सिल्वर बनता है। आंसर क्या हुआ सर? सोल्डर का, ठीक है। साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक के कारण पाया जाता है? इथियोनॉल, सोडियम लॉरिक सल्फेट, रेजिन और आपके सोडियम, आप बहुत अच्छे जा रहे हो, सोडियम इथियोनॉल, बताओ भैया किसके कारण ऐसा पाया जाता है? देख रहे हो शादी ब्याह का टाइम आ गया, ठीक है, शादी ब्याह का टाइम आ गया। चलिए इथियोनॉल कहते हैं, ठीक है, इथियोनॉल कहते हैं। चलो भाई अभी शादी ब्याह चल रहा है क्या? कोई नहीं चल रहा है क्या? विद्युत यंत्रों के में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ठीक है, बैकलाइट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बिकॉज इट, यार अभी तो नहीं आया सर।
तो आपको पता है इट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भैया, तभी तो आप यूज करते हो कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भैया, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में तभी तो आप इसको यूज करते हो। दूसरी चीज है, अगर ये दे देता बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो बिल्कुल सर, क्योंकि भैया आप इसी का यूज करते हो कुकर हैंडल्स में, ठीक है। अब बेकेलाइट क्या है भैया, बिल्कुल फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल का फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिश्रण, मतलब आप SCHO प्लस, अगर आप ये बनाते हो, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड का जो मिश्रण होता है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, बेकेलाइट होता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे थर्मोसेटिंग होता, अगर यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक की जगह अगर यहाँ थर्मोसेटिंग हो जाता, ठीक है, अगर यहाँ पे थर्मोसेटिंग हो जाता तब तो आपका काम बन जाता, लेकिन थर्मोसेटिंग तो था नहीं भाई, ठीक है। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या होता है, जब आप वस्त्र निर्माण करते हो तो कैसे कैसे उसको सीधा करते हो, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। भैया ये आपके सुपर टेट में आया था क्वेश्चन, बताइए। भैया पहले आपको उसको सिकोड़ा जाएगा, फिर उसको सीधा किया जाता है, फिर छाप मतलब लगाया जाता है, फिर उसको प्रेस किया जाता है, ऑप्शन ये है, बिल्कुल। पहले प्रेस नहीं करना है भैया, बाद में करना है। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाती है, द फिनिशिंग डन ऑन क्लॉथ टू ब्रिंग द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द डिजायर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। चलिए, इसे कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं सर चेंचरिंग, ठीक है। आप किस जगत में, ठीक है, किंगडम में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर यूसेंट्रिक विद अ सेल वॉल, बताइए इसमें किसको रखेंगे आप, विद अ सेल वॉल पूछा है, तो यहीं पे आपको दिमाग थोड़ा सा लगना चाहिए। बताइए बिल्कुल, देखिए ये तो आपकी एक कोशिकी होती है, प्रोटिस्टा आपकी एक कोशिकी है, प्लांटी आपकी बहुकोशिकी है, ठीक है, प्रोटिस्टा आपकी अगर एक कोशिकी है तो प्लांटी भैया आपकी बहुकोशिकी, ठीक है, तो आप प्लांटी बिल्कुल ये बहुकोशिकी में आप लगाएंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल मोनेरा एनिमेलिया तो हो ही नहीं सकता,
निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रकाश संश्लेषी है? Which of the following animals is photosynthetic? Amoeba, Euglena, virus and bacteria. बिल्कुल, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये युगलीना होता है, आपको पता है आपके प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी होती है, आपके प्लांट एंड एनिमल के बीच की कड़ी होती है। वायरस आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की आपकी कड़ी होती है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, अभी आपके और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ ऐप पे, गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाके मोबाइल नंबर जाके, ठीक है, कंटिन्यू करिए, ईमेल आईडी वेरीफाई करिए, UPPSC एंड UP SSSC कैटेगरी में आप जा सकते हैं और यहाँ फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, ठीक है। डेली 8 बजे आपको फ्री क्लासेस मेरी मिल जाएंगी, और ये आप स्पेशल क्लासेस जिसे फ्री क्लासेस भी कहते हो 8 बजे आपको मिलती हैं। इसके कुछ फीचर्स आप देख सकते हैं, आपके लाइव क्लासेस तो होती ही है, पोल्स द्वारा आपको जवाब देने होते हैं, रेज हैंड्स ऑप्शन आता है, और कोई भी क्लास आप मिस ना करो तो ज़्यादा अच्छा, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। लेक्चर नोट्स आप फॉलो करिए टीचर्स को, और आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आप कहीं भी बैठ के आप क्लासेस देख सकते हो। अनअकैडमी के एडवांटेज कुछ और है भैया, आपके रिकॉर्डेड सेशन, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेस, पेडागॉजी के हिसाब से चीजें, डाउट क्लियरिंग सेशन, स्टडी मटेरियल आपके पीडीएफ फॉर्मेट में, अनलिमिटेड क्विजेज और वर्कशॉप भी कराए जाते हैं। 12 महीने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन और 24 महीने पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। और विजेता सीरीज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, रैंक 1, 2, 3, 4, 25 बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये प्रगति सीरीज आपके लिए टेस्ट है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ऐप पे जाएं, ठीक है, आप यूज़ करिए, इनवाइट कोड में आप हमारा कोड ये जरूर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपको फ्री में आप एक्सेस आपको मिल जाए। बिल्कुल, कुछ बैचेस आप देख लीजिए, लेखपाल मुख्य परीक्षा का बैच कोर्स, ठीक है, उन्नत बैच कोर्स, बिल्कुल ये फ्री है आपके, ठीक है, ये आपके फ्री है, ध्यान दीजिए, ये देखिए फ्री मिनी कोर्स, बिल्कुल, ठीक है। तो आपका क्विक रिवीजन कोर्स है, आर ओ का, और यहाँ पे उन्नत सीरीज, बिल्कुल लेखपाल मुख्य परीक्षा के कुछ टिप्स आपको दिए जाएंगे। बैच कोर्स की बात करते हैं तो वीर बैच कोर्स और उन्नत बैच कोर्स, ये आपके बैच कोर्स चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जुड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे में, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पौधे में आपको बताना है कि सर क्या दिया हुआ है, आरोही जड़ नहीं पाई जाती। अब आप समझ गए होंगे आरोही जड़ है क्या भाई, ये तो समझी गए होगे। एसेंडिंग रूट मतलब ऐसी रूट जो आपकी नीचे से ऊपर नहीं जा रही, ऐसी कौन सी है जिसमें ये रूट आपको नहीं पाई जाएगी। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हो भैया, बिल्कुल ये आपका ऑप्शंस रहे, ठीक है सर। देखो, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, आपने एक खासियत देखी होगी, ये आपने देखा होगा ऐसे लटकते हैं, ऐसा किसी ने देखा है क्या? जो ये लटक रहा है आपका ना, वो यही चीज है, ठीक है, आपका बरगद, ठीक है, ये आपका क्या है, बरगद, ये चीज आप ध्यान, ठीक है। चलिए, ये तो क्या है, ये आपका ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे से ऊपर थोड़ी ना जा रही है, ठीक है। ये भैया क्या हो रहा है, ये भैया पेड़ भैया ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर थोड़ी नहीं जा रही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा तना अर्धवायवीय तने का उदाहरण है, मतलब अब ऐसे कह सकते हो आप कि कौन सा ऐसा है जो आधा बाहर मिट्टी के ऊपर आधा मिट्टी के नीचे रहता है, बताइए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ अच्छे अच्छे
है, वो भैया आपका मिंट होता है, वो आपका क्या होता है, मिंट होता है, मिंट मतलब भैया पुदीना। ठीक है चल, निम्नलिखित में से किसे अनावृत्ति वृक्ष को जीवित जीवाश्म के लिए मतलब कहते हैं, मतलब कौन सा जो आपका एंजियो स्पर्म्स होता है उसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। चलिए तो इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं सर, ये जो साइकस होता है ना इसको कहते हैं, और भैया आपको पता है साइकस का जो स्टेम होता है ना इसी को फर्मेंटेशन करके साबूदाना बनाते। साबूदाना बनाते ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ साइकस। ये थोड़ा सा पढ़िए, इन सभी में से बताना है ऑर्गेनिजम्स जो कि क्लासिफाइड है पैरासाइट्स में। देखो भैया अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके पैरासाइट्स है ये बताइए, जो कि आपके पैरासाइट्स में जिनकी गिनती होती है जल्दी से बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पूरा दिमाग अपना आप लगा लीजिए। ठीक है चलिए, ये होता है आपका कौन कौन सा, समझिएगा, बेड बक्स खटमल जो होते हैं चारपाइयों में, जोक होता ही है आपका, अमर बेल होता है, और आपका भैया जो आपका जू बाल में जो जू लाइस होते हैं वो होते हैं आपके। ठीक है ठीक है, केचुआ निम्न में से कौन से संघ से संबंधित है। ठीक है, केचुआ निम्न में से कौन से संघ से संबंधित है, बताइए। चलिए तो हम देखते हैं, ये आपको किस तरह से एनेलिडा से संबंधित है। ठीक है, ये आपको एनेलिडा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव रुधिर परिसंचरण तथा रुधिर वाहिनी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, बताइए। चलिए बिल्कुल, ठीक है चलिए, तो सर इसे हम कहते हैं क्या, एंजियोलॉजी, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव रुधिर परिसंचरण और रुधिर वाहिनी। ठीक है सर, इसे कहते हैं हम लोग एंजियोलॉजी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन की अगर हम खोज कहते हैं तो आप कोई बता सकता है कौन है, सर विलियम हार्वे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की अगर हम बात करते हैं तो सर विलियम हार्वे हैं। ठीक है बिल्कुल, हिमेटोलॉजी क्या होती है, आपके ब्लड की स्टडी, ब्लड की स्टडी आप हिमेटोलॉजी, हिमेटोपोइसिस ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है, ब्लड के जो फॉर्मेशन होते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं आपके हिमेटोपोइसिस। ठीक है, पॉइसिस माने फॉर्मेशन। सीरोलॉजी आपके सीरम के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, सीरम के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें सीरम के अध्ययन की बात करते हैं, बिल्कुल साकिब जी भैया स्वागत है। ठीक है, वालेकुम सलाम। ठीक है, सीरम के अध्ययन को हम कहते हैं, और दूसरी चीज हम अगर बात करें सर तो सीरम के अध्ययन तो सर चलो ये अच्छी बात है, लेकिन सर ये सीरम होता क्या है भैया, आपकी जो प्लाज्मा में से जो क्रोटीन फैक्टर, मतलब आपने जो फाइब्रिनोजेन, ठीक है, क्रोटीन फैक्टर क्या है आपका, फाइब्रिनोजेन है। ठीक
इसको आपने प्लाज्मा में से निकाला तो आपको बन के क्या आया सर, सीरम बन के आ गया। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलिए तो अच्छा, एक और आपका नाम आता होगा, ठीक है, आपने नाम सुना होगा सौरोलॉजी, आपने सुना होगा सौरोलॉजी, आप जब पढ़ते होगे क्वेश्चंस लगाते होगे तो आपके एक सौरोलॉजी करके आता। सौरोलॉजी क्या होता है भैया, आपके छिपकली का अध्ययन, ठीक है, आपके छिपकली के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, छिपकली के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। चलिए, मानव रक्त के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है, तरल, संयोजी, जीवित और उत्तक, बताइए। बिल्कुल मीनू जी, स्वागत है आपका। बताइए भैया, ये मानव रक्त क्या होता है? देखो भैया, मानव रक्त आप तो इतना तो जानते ही होंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्रांसी जी स्वागत है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपने देखा होगा कि टिश्यू भी चार प्रकार के होते थे, ठीक है, टिश्यू भैया चार प्रकार के होते थे ना, चार प्रकार में एक आपका कनेक्टिव आता था, मतलब आपके कौन कौन से आते थे कनेक्टिव में, आपके कौन कौन से आते थे आपको याद होगा, आपके बोन्स आते थे, ठीक है, और दूसरा आपको कौन सा आता था, आपका कार्टिलेज आता था, ठीक है, और तीसरा कौन आता था, तीसरा सर आपके ब्लड आते थे, ठीक है, और चौथा कोई बता सकता है क्या? आकृति जी स्वागत है, ठीक है, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, ये सभी आपके किस में आते थे, आपके कनेक्टिव में आते थे, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सर ये आपका रक्त एक आपका तरल, संयोजी, जीवित उत्तक होता है, सर ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही है। रक्त को मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग में लाते हैं? अब जानते हो नवंबर से आपको क्या करेंगे, देखो नवंबर से आपको क्या करेंगे थोड़ा समझिएगा, आपको ये वाली क्लास मेरी क्या होगी 6 बजे हो जाएगी शाम में, ठीक है, और स्पेशल क्लास का मंतसा है आप, बिल्कुल, कभी कभी जैसे आप भटकते हुए आ जाती है ना, ठीक है। चलिए देखिए, स्पेशल और यहाँ पे वाईटी, अब नवंबर से आपकी जो है ये मेरी क्लासेस 6 बजे हो जाएंगी और ये स्पेशल 8 बजे हो जाएगी, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको स्पेशल पे आपको खुद आंकनी है कि आप कितना सही कर दो, ठीक है, क्योंकि अब नवंबर से आपकी टॉपिक वाइज चलेगी, नवंबर से आपको टॉपिक वाइज चलनी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप यहाँ की प्रैक्टिस आप ऐप पे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ की प्रैक्टिस आप ऐप पे करिए। चल तो रक्त को मापने का यंत्र भैया स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो 120 mmHg और 80 mmHg, ठीक है, 120 और 80, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सिस्टोलिक, इसको कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर ब्लड के कंपोनेंट्स को यहां से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट मापी जाती है, आपको हार्ट बीट आपकी एक हार्ट बीट बराबर कितने देर में होती है, 0.8 सेकंड में होती है, और सर एक मिनट में कितनी होती है, सर एक मिनट में 72 बार होती है, ये भी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। स्पायरोमीटर क्या होता है, आपको जो रेस्पिरेशन रेट होती है, रेस्पिरेशन रेट जिसे हम कहते हैं आपका क्या श्वसन दर, रेस्पिरेशन रेट को कहते हैं श्वसन दर, ये कितनी होती है, बिल्कुल आपकी ये आप देख सकते हो, ठीक है, श्वसन दर आपकी, ठीक है। मानव रक्त को रक्त बैंक में जमने से रोकने के लिए क्या मिलाकर रखते हैं, बताइए। ब्लड बैंक में
रखा जाता है, क्या मिलाकर रखा जाता है, तो चीजें पहले तो आप ये याद रखो, कितने डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, पहला याद कर लो। कितने दिन तक सुरक्षित रहता है, ये रह सकता है 40-42 से 45 दिन तक, ये आपका क्या होता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या मिलाते हैं इसमें, बिल्कुल पीके जी स्वागत है, काफी लेट है पीके जी, आप शिवानी जी स्वागत है, बिल्कुल। देखिए सोडियम साइट्रेट होता है, डेक्सट्रोज होता है, आपको EDTA होता है, एथिलीन डाई एमीन आपके क्या, टेट्रासीटेट। ठीक है, बिल्कुल, तो आपका उपयुक्त सभी, इसका जवाब सही। ठीक है, ये बताओ आपको आरओ यारओ के लिए टॉपिक वाइज करा दें क्या, आपके क्या विचार है मुझे बताएं, टॉपिक वाइज करा दें आपको, मुझे आप अपने विचार बता दीजिए। ठीक है, टॉपिक वाइज आपको करा दिया जाए, मतलब नवंबर से जो क्लासेस है मेरी, ठीक है, टॉपिक वाइज करा दें, मान के चलिए दिवाली बाद से। ठीक है, ये ध्यान देना, मैंने एक लाइन बोली है, दिवाली बाद कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। ठीक है, बताइए, कोई भी व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, कुल मात्रा का 10%, यदि वह 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो, उपयुक्त दोनों स्थितियों में, उपयुक्त में से किसी में नहीं। नहीं, जैसे आप बताओ, जैसे अगर टॉपिक वाइज आप करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको टॉपिक वाइज चीजें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपको कोई इसमें इशू नहीं होगा, बाद में आपको क्या करेंगे, सैटरडे या संडे में आपको मिक्स क्वेश्चन करा देंगे उसी टॉपिक से निकाल के। भाई अगर मान लो मैंने आपको, हाँ, तो आपको क्या करेंगे जानते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा ना आरओ यारओ में एक स्ट्रेटजी बना के चलनी होगी। ठीक है, आपको जो भी चीजें हैं, मैं मान लीजिए आपको यहाँ पे करा दिया, 3 चैप्टर आपको करा दिया, 3 चैप्टर को भैया लास्ट में आपको सैटरडे या संडे में इसका टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, और ऐप पे आपको प्रैक्टिस करा देंगे इसी चीज की, तो आपको दो दो चीजें आप तैयार कर रहे हो, दो दो बार तैयार कर रहे हो। ठीक है, मंतसा जी, अब हम आपको क्या बताएं, भैया फॉर्म बहुत दिन पहले का आया है, 5 दिसंबर को पेपर है आपका, 5 दिसंबर को पेपर है, तो आप थोड़ा सा जागिए। ठीक है, थोड़ा सा जागिए, मैंने स्पेशल पे बोला होगा एनवायरमेंट के लिए, मैंने YT पे नहीं बोला होगा। ठीक है, उसमें सब आ जाएगा, जो आपको टॉपिक वाइज कराएंगे ना, तो वो पूरा रहेगा आपको, कुल मात्रा का सर 10%, बिल्कुल। एक यूनिट में कितना होता है, 350 ml, तो आपको किसी स्पेशल केसेस में आपको आप 2 यूनिट भी दान करते हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उम्र जो है 20 वर्ष नहीं होती है सर, 21 वर्ष होती है। ठीक है, डॉक्टर आपको जो दान करने के लिए बोलता है वो 90 दिन बोलता है, आपको 90 दिन बोलता है वो दान करने के लिए, बट 90 दिन नहीं होता है, मतलब 90 दिन होता है, लेकिन स्पेशल केसेस में आप 14 दिन में दान कर सकते हो, बट इन स्पेशल केस आप अगर अच्छे से चीजें, अगर पौष्टिक तरीके से चीजें खा रहे हो, तो भैया वो आप 14 दिन में आप डोनेट कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल केस मैंने लिख दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मानव रुधिर में कौन सी प्रोटीन का अभाव रहता है बताइए, और थोड़ा सा आप रेगुलरिटी बना लीजिए कि, ठीक है, 1 महीने की बात है, ठीक है, आरओ यारओ के पेपर तक थोड़ा सा रेगुलरिटी बना लो। ठीक है, और बाकी दिवाली के बाद से तो रेगुलरिटी आपकी चलेगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ये आपका फाइब्रियोइन होता है, तब ये भी गलत कर रहे हो क्वेश्चन नंबर डाल के, बिल्कुल प्रांशी जी, अभी आपने स्पेशल पे किया था ना ये क्वेश्चन, फिर भी गलत। ठीक है, आपका क्या फाइब्रोइन, ये आपको क्या होता है, मकड़ी का जो जाल होता है, जो मकड़ी का जाल होता है वो यही होता है। ठीक है, फाइब्रोइन होता है। ठीक है, चलिए, अगर हम हिपेरिन की बात करते हैं, हिपेरिन भैया आपको क्या करता है, एंटी क्लॉटिंग, ये भैया आपको थक्का बनने नहीं देता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंदर एल्बुमिन, एग वाइट जो होता है वो आपका यही होता है, एल्बुमिन। ठीक है,
फाइब्रिनोजेन आपको क्या करता है भैया, शरीर के बाहर आपका क्लॉट में मदद करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। दूसरी चीजें सर, हिपेरिन और फाइब्रिनोजेन, ठीक है, हिपेरिन एंड आपके फाइब्रिनोजेन, ये दोनों आपके लीवर द्वारा स्रावित होती हैं। लीवर द्वारा कह दो, बनने वाली प्रोटीन है, लीवर द्वारा बनने वाली प्रोटीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रुधिर कणिका का जीवन काल सर्वाधिक होता है? किस रुधिर कणिका का जीवन काल सर्वाधिक होता है? बिल्कुल, एरिथ्रोसाइट का होता है सर। एरिथ्रोसाइट का वो इसलिए होता है क्योंकि सर आपको जो एरिथ्रोसाइट को हम कहते हैं बहुत ही प्यार से आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट्स की बात करते हैं तो इन सबका वेरी कर रहा है, जैसे प्लेटलेट्स का आपको 2 से 4 दिन भी कहते हैं, ठीक है। और जैसे ल्यूकोसाइट्स का होता है तो 4 से आपके उसको 12 दिन, कहीं 21 दिन, तो आपको ल्यूकोसाइट्स का चेंज होता रहता है, ठीक है। कहीं कि आपको आप टू 21 डेज तक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, साधना जी स्वागत है लेकिन काफी लेट है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रुधिर का नहीं है? अपशिष्टों को बाहर करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, हार्मोन एंजाइमों खनिजों का परिवहन, या कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में पहुंचाना, कौन सा रुधिर का कार्य नहीं है? चलिए, तो आपको पता है इसका कार्य भैया कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में पहुंचाना नहीं होता है, बाहर निकालना। ठीक है, चलिए। ऑक्टोपस एक जलीय मोलस्क है जिसके अंदर नीला रक्त का कारण है, ठीक है, बताना है। ऑक्टोपस इज द एक्वेटिक मोलस्क इनसाइड विच द कॉज ऑफ ब्लू ब्लड, पता है किसके कारण उसका ब्लड ब्लू होता है? ठीक है, चलिए, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ऑक्टोपस भैया एक जलीय मोलस्क है जिसमें हीमोसायनिन पाया जाता है, ठीक है, मतलब आपको कोबाल्ट कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, कोबाल्ट कंटेनिंग होते हैं। हीमोलिम्फ भैया आप कॉकरोच में देखते हो, ठीक है, कॉकरोच में देखते हो, ये आपको हरा कलर प्रोवाइड करता है। एक आपका वो होता है, क्या कहते हैं, एम्फीबियन होता है, ठीक है, ये हरा कलर आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एम्फीबियन या रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, हरा कलर प्रोवाइड करता है। और आपको हीमोग्लोबिन भैया ये लाल कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केवल ऊंट व लामा में होता है। सबसे अधिक आरबीसी
की संख्या भी ऊंट में होती है तो न्यूनतम आरबीसी किसमें होती है? बताइए। चलिए, तो आपको पता है ये किसमें होता है भैया? देखो, अगर आपसे पूछे कई तरह से, एम्फ्यूना एक तरह का आपका एम्फीबियन है, ठीक है, एम्फीबियन है। यहाँ पे अगर लार्जेस्ट लार्जेस्ट अगर आरबीसी होती है ना, तो इसी की होती है, ठीक है। कस्तूरी मृग भैया, ये स्मॉलेस्ट आरबीसी होती है। कुत्ता, ये इसका सबसे कम होता है, ठीक है, सबसे कम होता है। मतलब आपको अगर आप देखोगे, ठीक है, आराधना यादव जी स्वागत है आपका, अगर आप ऐसे देखोगे तो क्या समझे कि भैया केंद्रक तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, मैमल्स में, बट ऊंट, लामा, कुत्ता, मेंढक, इन सभी में पाया जाता है। ऊंट में सबसे ज्यादा है तो सर कुत्ते में सबसे कम होता है, ठीक है। ये ऐप पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, अच्छा, डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, चाहे आपको जहां भी आपको जाना हो, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, चाहे आप प्ले स्टोर पे जाओ, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। स्टार्टेड जाइए, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी से कंटिन्यू करिए, ठीक है। UPPSC एंड UP SSSC गोल सेलेक्ट करके आप ऐप पे आ सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट आपको ऐप पे है, ठीक है। प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभी हमारी क्लास डेली 8 बजे स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होती है, ठीक है, बिल्कुल आपकी फ्री होती है, अभी आपकी क्लासेस हैं भैया, ठीक है, बिल्कुल। ये कुछ आपके बेनिफिट मिलते हैं, पोल्स द्वारा आपको चीजें, क्योंकि जैसा KVC देखा है आपने, पोल्स आता है, ठीक है, तो पोल्स जैसी चीजें, रेज एंड के ऑप्शन आते हैं, ठीक है, कभी क्लास को मिस करोगे तो फिर देख सकते हो आप लेक्चर नोट्स भैया, ये सारी चीजें, और आपको बिल्कुल रिकॉर्डेड सेशन भी मिलते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी मिलता है, मल्टीपल कोर्सेस, पेडागॉजी, मल्टीपल डाउटिंग सेशन, PDF फॉर्मेट में चीजें, क्विजेज, वर्कशॉप, कुछ फ्री क्विजेस भी है, वो भी आप देखा करिए। देखो, 12 महीने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री सीरीज चल रही है, तो ये बिल्कुल आप लोग कर लें, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, ठीक है। विजेता सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, आप स्कॉलरशिप टेस्ट लें। अरे खत्म नहीं हुई यार, काहे घबरा गए, ठीक है। एक नवविवाहिता पुरुष भी रक्त समूह का है तथा नौ विवाहित महिला ए बी रक्त समूह की है, तो उनके होने वाले बच्चों में कौन सा रक्त समूह और कितने प्रतिशत होगा? चलिए, बिल्कुल, तो आप थोड़ा से देखिएगा, ए बी और यहाँ पे बी, ठीक है, ये तो भैया बना, ठीक है, ए भी कितना 25%, ठीक है सर, ए कितना आपका 25%, ठीक है सर, बी कितना आपको 50%, ये ठीक है सर, ठीक है। RH नेगेटिव व्यक्ति RH पॉजिटिव व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, परंतु RH पॉजिटिव व्यक्ति RH नेगेटिव व्यक्ति से रुधिर नहीं ले सकता, ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता क्या है, RS पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब इसमें आपको डी एंटीजन होगा, डी एंटीजन होगा, मतलब आपको RH फैक्टर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। भाई RH फैक्टर मतलब क्या हुआ, RH फैक्टर आपका पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव अगर नेगेटिव को दे देगा तो दिक्कत है ना, इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, मतलब नेगेटिव है, तो भैया जब एंटीजन नहीं है तो भैया जब आप इसको आप डालोगे तो एंटीबॉडी बनाना शुरू हो जाएगी,
और फिर खतरनाक साबित होगा आपके लिए, ब्लड आपका क्या होगा जमने लगेगा। डी एंटीजन की खोज किसने किया था भैया? तो लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने किया था, ठीक है। ब्लड बिगेंस टू एक्यूमुलेट, रक्त समूह ए बी ओ की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, परंतु रक्त समूह ए बी की खोज किसने की थी? हाँ बिल्कुल, चल आपको पता है भैया ए बी ओ खोज की तो भैया लैंडस्टीनर ने किया था, लेकिन ए बी की खोज आपसे पूछ रहा है तो सर स्टी एंड डिटेक्स्टिलो, ये कब किया था? 1901-2 में किया था, 1901-2 में किया था। और ये कब किया था भैया? 1900 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है। हाँ चलिए, अगर हम बात करते हैं ये क्या किए थे, ये आपके हार्ट ट्रांसप्लांट की बात किए थे, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांट की बात इन्होंने किया था, आपके पीसीएस में आया था ये। लिलेनन क्या किए थे? ओपन हार्ट सर्जरी किए थे। ओपन हार्ट सर्जरी किए थे। विलियम हार्वे क्या किए थे? ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है ये, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है। मानव हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है, परंतु जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो लाल हो जाता है। मानव हीमोग्लोबिन किस गैस के साथ सर्वाधिक रासायनिक क्रिया करती है? बताइए, तो आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से ढाई सौ गुना अधिक, ठीक है। चलिए बिल्कुल, ये चीजें ध्यान दीजिए। एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की आदर्श मात्रा कितनी होती है? 13 2 ± 15 + 2 11 + 2 g + 2, मतलब 9 + 2, ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लो। चलिए बिल्कुल, तो 11 ± 2 होता है और इसका बहुत ही आपके एनर्जी पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो एनर्जी कम रिलीज होगी, ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है। मतलब ये चीजें ध्यान दीजिएगा, कभी आप देखा होगा जब आपका कम रहता है तो, बिल्कुल प्रांशी जी स्वागत है, ठीक है। जब आपका कम रहता है तो भैया कम महसूस होता होगा, ज्यादा रहता होगा भैया आपको ज्यादा महसूस होती होगी एनर्जी, मतलब अच्छा महसूस करते होगे, कम पे बड़ा वीकनेस होता होगा। चलिए बिल्कुल भैया, हाँ। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है कहाँ पे? देखिए
प्लिया में होता है, सभी को पता होगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पहला, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, पहला तो कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। चलिए, लीवर भैया आपको पता है, लीवर क्या करता है भैया, बाइल जूस निकालता है, ठीक है, यूरिया बनाने का काम करता है, ठीक है, यूरिया बनाने का काम करता है, आपको ए डी ई के का स्टोरेज करता है, ठीक है, स्टोरेज भी करता है ये। उसके बाद आपको जितनी भी टॉक्सिफिकेशन की चीजें होती है अपने में ले लेता है अंदर, ठीक है। पेनक्रियाज आपका क्या होता है, मिक्स ग्लैंड होता है, पेनक्रियाज आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब होता है एक और नाम, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अस्थि मज्जा भैया आरबीसी का, ठीक है, चलिए, हाँ, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन में आप कह सकते हो, ठीक है, एक्सोक्राइन लार्जेस्ट कह सकते हो, बिल्कुल। ये प्रगति भैया ये टेस्ट आप लोग दिया करिए, बेनिफिट होगा, ठीक है, ये टेस्ट आप लोग दिया करो, तो ये टेस्ट होते हैं बिल्कुल फ्री है, तो आप दिया करिए। और ये आप कुछ देख रहे हैं, फ्री मिनी कोर्स ये आपके चल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप ये सभी दिया करो यार, ठीक है। यहाँ देख रहे हो उन्नति क्विक रिवीजन भैया है आर ओ आर ओ के लिए, ठीक है, तो ये बिल्कुल आप दिया करिए। और उन्नत बैच डुअल एजुकेटर सेशन ये भी आप, बैच कोर्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपका वीर बैच कोर्स, ठीक है, यूपीएस कॉन्स्टेबल उन्नत बैच कोर्स लेखपाल मुख्य परीक्षा का, ठीक है। चलिए आइए, हाँ भी बिल्कुल, आपका दो प्रोटीन जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन एंड हिपेरिन, ये दोनों भी प्रोड्यूस करता है, बहुत अच्छे। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान में किस भाषा में जानते हैं? बिल्कुल, देखो यहाँ पे पूछना चाह रहा है WBC का जो अधिक होना वो क्या कहलाता है, WBC का अधिक होना वो कहते हैं ल्यूकीमिया, ठीक है, WBC का कम होना, WBC का कम होना वो क्या होता है ल्यूकोपीनिया, WBC का क्या होना, कम होना वो आपका ल्यूकोपीनिया, मतलब आपको मेनी डिजीजेस हो जाएंगी, मेनी डिजीजेस, एनीमिया आपको आरबीसी का कम होना, जैसे आपके अगर किसकी किसकी कमी, आयरन की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है, उसके बाद आरबीसी की कमी, ये तीनों भी पूछ सकता है कि इन तीनों की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अरे नीति जी आप कहाँ से आ गए अचानक, भटक गए, चलिए, हाँ बिल्कुल, WBC के बढ़ने से ब्लड कैंसर होता है, इतनी जानकारी आप रखी हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मुझे पता चला कि आपके PCS में 135 क्वेश्चन सही हैं। एनोक्सिया क्या कहते हैं, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, आपके ब्रेन में जो इनसफिशियंट सप्लाई होती है ऑक्सीजन की उसी को कहते हैं, ठीक है। किस प्राणी के जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जीव द्रव्य मतलब भैया होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, उसके आपके हीमोग्लोबिन के साथ मिला होता है, हाँ मुझे भी लग रहा है, तो आप बढ़िया से मेंस की तैयारी करिए इस बार, ठीक है, मेंस की तैयारी करिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, 135 नहीं, 135 क्वेश्चन स्कोर किया है, अब आप सोच लीजिए कि 135 क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इन्होंने स्कोर किया है, बिल्कुल आपको आगे के लिए मेंस के लिए हमारी तरफ से और ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, और अच्छे से आप यह मेंस दीजिए, ठीक है, बिल्कुल, तो आपको पता है जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, सर ये आपका केचुआ होता है, अर्थवॉर्म, ठीक है।
रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इसके द्वारा आपका एंटीबॉडी निर्मित होती है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल, अब आप नवंबर से आप 6 बजे तैयार रहिएगा वाईटी पे, जाड़े का समय भी धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज अब कराना शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप करिए, फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्पेशल क्लासेस में कराए जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको डबल बेनिफिट होगा, जो लोग पढ़े होंगे उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी आने पे गलत नहीं करेंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे भैया तो कलाकार ही हैं, ठीक है। एंटीबॉडी भैया याद रखना आपके लिम्फोसाइट का काम होता है, ठीक है, चलिए, आपके लिम्फोसाइट का काम होता है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आईएएस प्री का क्वेश्चन आया हुआ था कि एक वर्ग है भैया दंपत्ति जिसका ए बी पॉजिटिव है और दूसरे का ओ नेगेटिव है, मतलब सर एक का ए बी पॉजिटिव है, दूसरे का आपका ओ नेगेटिव है, तीन पुत्रों में से एक उसने गोद लिया था, ठीक है, जुड़वा पुत्र लिया था गोद, ठीक है, मुझे एक जुड़वा पुत्र हुए, ठीक है, जिनका भैया क्या था, पहले दंपत्ति का तो क्या था ए बी और दूसरे का ओ था, तीन पुत्र थे ए बी और तीसरे का ओ पॉजिटिव, मतलब पहले का ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव, तो जो गोद लिया हुआ बच्चा था उसका रक्त वर्ग क्या हुआ? अरे नीति जी आप अभी आराम करिए, अगर आप रेगुलर क्लास में आती तो फिर हम कुछ बता भी सकते थे, अब आप आराम करिए, आपको अब आराम की जरूरत है क्योंकि आप मेंटली बहुत लगता है थकी हुई, ठीक है, ये बिल्कुल ए बी और आपका ये हुआ ओ, तो भैया क्योंकि आप इसको मैच करोगे तो ए और बी तो आएगा ही, अच्छा आपका ओ, तो बिल्कुल सर आपका ओ पॉजिटिव भैया, ठीक है। चल, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है कैसा? वायुमंडलीय दाब से कम, दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बिल्कुल आपको पता होगा, ठीक है, 760 mmHg तो खुद ही वायुमंडलीय दाब होता है भैया, और आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, तो अच्छा, बहुत अच्छा नीति जी आपका रिप्लाई, मतलब मन खुश हो गया, फ्रांसी जी आपका भी बिल्कुल रिप्लाई से मन खुश हो गया, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्पॉन्स देख के, बहुत अच्छे प्रांसी जी हैं नीति जी, वेल डन नीति जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह करते रहिए, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के के जमाव को रोकता है, ठीक है, का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के के जमाव को रोकता है का निर्माण किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स या इसिनोफिल्स? तो आपको याद होगा मैं जब बेसोफिल्स आपको पढ़ा रहा था, देखो होता तो ये लीवर से है, ठीक है, लेकिन इसके निर्माण में कौन सहायक है भैया? बेसोफिल आपका ये हिपेरिन भी बनाता है, ठीक है, बनाने में मदद करता है, और आपको तो ये पता ही है हिस्टामिन भी बनाता है, आप कहोगे सर हिस्टामिन क्या है, भैया ये एलर्जिक एक्शन से, ठीक है, ये एलर्जिक एक्शन से आपको क्या करता है, आगाह करता है सर, ये हिस्टामिन होता है, ठीक है, तो हिपेरिन और हिस्टामिन, ठीक है, बिल्कुल। इसनोफिल आपका सर्दी जुकाम और सारी चीजें। ये बताइए मानव रक्तदान जब ब्लड का आप आदान प्रदान करते हो या ऐसे उस सेंस में यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वदात्रा, ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही कौन कौन होते? एलर्जी से, बिल्कुल
मतलब आपको ना ये तुरंत बढ़ जाएगा, बचाने की बात नहीं है, ये क्या, ये तुरंत जानते हैं हिस्टामिन आपका बनने लगता है, तब आपको ये महसूस होता है अच्छा आपको एलर्जी हो गई है। चल बिल्कुल, देखो रिसीवर की बात है तो सर ए बी पॉजिटिव, ये तो सभी को याद होगा। डोनर की बात थी सर तो ओ निगेटिव था, सर बिल्कुल ओ निगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ये याद कर लेना, किसी एक का याद कर लो दूसरे का याद हो जाएगा। चल शरीर में प्लेटलेट्स के निर्माण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है, शरीर में प्लेटलेट्स की बात आपसे पूछी जा रही है। देखो एक आपको शब्द दिख रहा होगा एरिथ्रोपोएटिन, वो तो आपका क्या करता था, ये तो आपकी जो किडनी, जो आपकी क्या करती है, जो किडनी होता था वो भैया आरबीसी, तो आरबीसी की मात्रा को बढ़ा देती थी इसके द्वारा, एरिथ्रोपोएटिन के द्वारा। पर प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट से संबंधित कौन सा शब्द आ रहा है, थ्रोम्बोपोएटिन, बिल्कुल सर थ्रोम्बोपोएटिन, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स या हीमोग्लोबिन, बताइए। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, चलिए बताइए जल्दी से। कैसे, थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी आपके बाहरी पदार्थ कोई आप शरीर से प्रवेश करेगा तो भैया आपको पता है जो आपको ल्यूकोसाइट्स वाला होगा, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स तुरंत एक्टिव हो जाएगा, और आपको पता है इसनोफिल, बैसोफिल, ठीक है, और आपको पता है एक और होता है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, और यहाँ पे आपके होते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, तो कोई तीसरा नाम बता सकता है क्या, इसनोफिल, बेसोफिल और कोई तीसरा, नहीं नहीं तो आपको पता है ये क्या करता है, ये आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स आपको पता है आपको क्या करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। ये किसी ने बताया नहीं, इसनोफिल, बैसोफिल और तीसरा बताओ ना मुझे कौन, इंतजार कर रहे हैं आपका, हो सकता है जवाब आ जाए किसी का। बिल्कुल बहुत अच्छे, न्यूट्रोफिल, क्या बात, ठीक है। चल पहला क्वेश्चन आपको ये दिया गया है और आपसे पूछा गया है, बताइए आपको ये स्केलेटल सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ये बताना है इनमें से क्या सही है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, ठीक है, ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप और शोल्डर प्लेट, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आराम से पढ़िए, आपको हर क्वेश्चन पे कुछ हम टाइम देंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन पे आपको 20 सेकंड देंगे और आप इसका जवाब दीजिए, जैसा कि मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, ठीक है, उसके बाद करता हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह टाइम देंगे फिर करेंगे। देखिए ब्रेस्ट बोन की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है ब्रेस्ट बोन जो जुड़ा हुआ है वो भैया स्टर्नम से जुड़ा हुआ, आप कहोगे सर ये कैसे, ये आपने देखा था एक ये हड्डी होती थी, ठीक है, ये देखिए ये आपके 12 पैर होते थे रिब केज के, ये इसी हड्डी से तो जुड़ते थे, इसी हड्डी को स्टर्नम कहा जाता था, ठीक है, तो ए का तो फोर्थ आपको क्लियर हो रहा होगा, ए और डी ऑप्शन में थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कुछ तो यहाँ पे इशू है। चलिए कॉलर बोन, क्लेविकल, ये वाला जो बोन होती है आपकी क्लेविकल,
जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो भी ए और डी ऑप्शन तो भाई सेम है आपका, मतलब लग रहा है आपको कि सर ये तो ऑप्शंस बिल्कुल एकदम बहुत ही क्लियर क्लियर है। अब घुटने की हड्डी को आपने नाम सुना होगा कि इसको पटेला बोला जाता है, ठीक है, ऐसा मुझे पता है। घुटने की हड्डी का आपने नाम सुना होगा कि इसे क्या बोला जाता है, पटेला बोला जाता है। तो भैया घुटने की हड्डी को पटेला बोला गया, ठीक है सर। मतलब सर आपके सी का दूसरा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बिल्कुल आपका ये एकदम सटीक जवाब हो गया डी। ठीक है, और शोल्डर ब्लेड ये कंधे वाला था, बिल्कुल सर आप इसको स्कैपुला बोल रहे थे, सिंपल है। ठीक है, इसकी थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है ना। नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल, बिल्कुल 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 सटीक जवाब। नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल, खोपड़ी में मिली हड्डियों की संख्या, मतलब खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन का अलग है, बताइए। ठीक है, स्कल मतलब आपका ये पूरा भाग आ गया, ठीक है, देखो स्कल मतलब आपका ये पूरा भाग आ गया, ठीक है। तो सर जब स्कल मतलब आपका पूरा भाग हो गया, तो सर हड्डियों की संख्या भी अगर बतानी होगी, देखिए कैसे होगा। पहले स्कल में आएंगे क्या क्या चीजें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, पहला आएगा फेसियल, बहुत अच्छे पीके जी, बिल्कुल। दूसरा आएगा आपको, पहला तो भैया क्रेनियम ही आएगा, ठीक है, पहले तो आपका खोपड़ी वाला भाग जो सर का वाला भाग है, फिर फेसियल आएगा, फिर ईयर बोन्स आते हैं, ठीक है, फिर आपका थ्रॉट वाला आता है, ठीक है। क्रेनियम कितना होता है आपको पता है, 8 होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है। फेसियल कितने होते हैं, 14। कान वाले आपके 6, एक यॉड बोन होती है जो ये गले से ऐसे जुड़ी हुई है, वो 1 होती है, कितना हो गया टोटल, अगर आप इसको ऐड करोगे तो देखो 29 बन के आता है कि नहीं, बिल्कुल सर 29 आएगा, आंसर कितना आ गया 29 आ गया आपका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वॉलोइंग एंड वोमिटिंग, बताना है निगरण और उल्टी का जो केंद्र होता है, ठीक है, वोमिटिंग का, वो कौन सा होता है। बिल्कुल देखिए होता क्या है, आपको जो इनवॉलेंट्री एक्शन मेडुला ओब्लॉन्गेटा का काम होता है, क्या इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस का काम होता है, बिल्कुल, मतलब जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं वे इसी का काम है। तो आपका ये बिल्कुल यही काम करता है भैया, वोमिटिंग आपको निगरण ये सभी काम इसी का होता है। सेरिबेलम क्या करता है, आपका बॉडी पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है, आपका क्या करता है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखता है, ठीक है। सेरिब्रम ये आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। पॉन्स क्या करता है, इसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं आपके ब्रेन का, ठीक है। सेरिब्रम इज रिलेटेड टू लीवर ब्रेन हार्ट और आर्टरी, सेरिब्रम किससे संबंधित होता है, ये जो नहीं बता पाया। और लास्ट में आप काउंट करिएगा कितना आपने सही किए आज की क्लास में। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था सेरिब्रम क्या होता है, आपका सबसे ज्यादा ज्यादा एरिया कवर किया होता है, कौन आपका सेरिब्रम, ठीक है, बिल्कुल। तो आपके किसका भाग है, ये आपके ब्रेन का भाग है, बिल्कुल सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ये क्या है, लीवर क्या होता है सर, लीवर की सर सेल्स, अच्छा लीवर सेल्स को क्या कहते हैं सर, हिपैटिक सेल्स, ठीक है। और इसमें एक चीज और पाई जाती है, इसमें एक चीज और पाई जाती है, कूफर सेल्स, ये भी आप याद रखिएगा, इसमें आपको कूफर सेल्स भी पाया जाता है, ठीक है। हार्ट की जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है पेरी
कार्डियम मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, पेरी कार्डियम मेम्ब्रेन होती है। मनुष्य में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं? आपके ह्यूमंस में भैया 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है, मनुष्य में आपके 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, ठीक है। आर्टरीज क्या होती है? यहाँ पे आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका क्या होता है? फ्लो होता है। ये चीजें आप याद रखिएगा। तो आंसर इसका क्या हो गया? बिल्कुल सर, ब्रेन हो गया, ठीक है। द सेल विच हैव लीस्ट जनरेशन कैपेसिटी, सॉरी लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी, चलिए, किसकी पुनर्जनन क्षमता सबसे क्या होता है? कम है, ये बताना है, कम पूछा है आपसे। बताइए, ठीक है, चलिए। तो आपके जो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, उसकी जो पुनर्जन्म क्षमता होती है वो आपकी सबसे कम होती है, ठीक है, मस्तिष्क में सबसे कम होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, आंसर तो आपका सेल ऑफ ब्रेन हो गया, इसकी क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और इसकी रिकवरी आप 1 महीने के अंदर कर सकते हो, ठीक है। जैसे किसी को ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया, 1 महीने के अंदर भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो आपके पलटा कार्रवाई, मतलब कहते हो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, जैसे आप गर्म तावे को छुओ तुरंत हटा लेते हो, वो किस उसका सेंटर कौन होता है, मतलब उसका एक केंद्र होता होगा, वो केंद्र कौन सा हो बताओ। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो ये क्या होता है भैया, बहुत ही प्यार से ध्यान देना सर। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये सर सेरिबेलम होता है, और सेरिबेलम का एक और काम होता है आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखना, ठीक है, आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखना, ठीक है। चलिए, स्पाइनल कॉर्ड तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और रही बात सेरिब्रम, मैंने बता दिया था आपको लार्जेस्ट पार्ट, और नर्व सेल आपको क्या होती है, नर्व सेल को मिलके ही नर्व टिश्यूज बनते हैं आपके, ठीक है। फॉर्मेन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन द, फॉर्मेन मैग्नम एक छिद्र है जो इसमें पाया जाता है, ईयर, लंग, गिरल और स्कल, बताइए। फोरमैन मैग्नम एक छिद्र है जो पाया जाता है, बिल्कुल स्कल। आपने देखा होगा, जैसे मान लो ये आपकी खोपड़ी है, खोपड़ी में देखा होगा जो आपका ये भाग होता है स्पाइनल कॉर्ड जो आपके जा रही है, तो एक होल के थ्रू ये सभी जा रही है ना, इसी होल को हम क्या कहते हैं, फोरमैन, फॉरमैन मैग्नम इसी होल को कहा जाता है। ये किसमें आपको पाए जाएंगे? आपको स्कल में पाए जाएंगे, ठीक है। गिरडल एक अलग चीज होती है, ठीक है, चलिए, इसको मेखला कहते हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए, पेयर ऑफ रिप्स फाउंड इन मैन, मनुष्य में कितने पेयर आपके रिप्स के पाए जाते हैं, ठीक है, ये जिससे जुड़ी होती है, ठीक है, रिप्स जिससे जुड़ी होती है उसका नाम होता है स्टर्नम, ठीक है, जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं, तो हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है, किसको, आपके जो स्टर्नम होती है ना उसको ब्रेस्ट, ठीक है।
ठीक है, कितनी होती है? 12 होती है। 1 से 7 तक आपकी ट्रू रिब्स होती है, ठीक है। 8 से 10 तक आपकी क्या होती है? फॉल्स रिब्स होती है। 11-12 आपकी क्या होती है? फ्लोटिंग रिब्स होती है। अच्छा, मैं जो आपको ये पढ़ाता हूँ चीजें समझ में आती है ना, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना सभी के। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन, आपके सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्ट्रॉन्गेस्ट बोन पूछा है, फिर से ध्यान से देना, बोन पूछा है आपसे, ठीक है, बोन पूछा है, बोन, ठीक है, भाग नहीं पूछा है, बोन पूछा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। बिल्कुल, आपके अगर हड्डी पूछेगी तो थाई बोलोगे भैया, आपको कौन सी सर? फीमर होती है। अगर भाग पूछता तो भैया का बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, चलिए IEEG we can observe the activity of heart, ठीक है, हंग, ब्रेन और आपके मसल्स। EEG से हम किसकी ऑब्जर्व एक्टिवेट करते हैं? बिल्कुल, ये सर ब्रेन की होती है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। ठीक है, ईईजी, अगर हम ईसीजी आपसे पूछे, ठीक है, अगर हम ईसीजी आपसे पूछ दें, ईसीजी किससे रिलेटेड है सर? ईसीजी रिलेटेड है आपके किससे? हर्ट से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये आपके हर्ट से हो जाए। अच्छा, एक चीज और, मसल्स में पाया जाता है क्या आपको? मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन, ठीक है, इसमें आपको आयरन कंटेन होता है, इसमें आपको आयरन पाया जाता है, आयरन कंटेंट्स इसमें होते हैं, ठीक है, चल बिल्कुल। द बोन टीबिया इज फाउंड इन, अब बताओ बताओ टीबिया कहाँ पाई जाएगी भाई? टीबिया बता दो कोई। अरे यार, ऐसे कैसे गलत कर सकते हैं आप? कैसे भैया? टीबिया एंड फेबुला, टीबिया एंड फेबुला भैया कहाँ पाया जाएगा बाबू? थोड़ा सा सोच समझ के, लेग्स में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपकी है हड्डी, ठीक है, ये आपकी हड्डी हो गई, ये देखा होगा बगल में एक हड्डी होती है, ये फेबुला, ये टीबिया और ये आपकी फीमर, ठीक है, तो आपका कहाँ हुआ? आपके टांगों में ना हुआ, ठीक है, चलिए। हाउ मेनी टीथ इन मैन ऑकर्स ट्वाइस, ऐसे कितने दांत हैं जो दो बार निकलते हैं?
होता ही, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, कोई दिक्कत। और अगर आप सही सभी सही दे दोगे तो फिर तो भाई नहीं, ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन हो जाता है, आप लोगों से टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए आपका ये क्या है सर, 20, डाइफाइकोडोंट कहते हैं, डाइफाइकोडोंट कहा जाता है, ठीक है। अगर हम मोनोफाइकोडोंट आपसे पूछे, तो 30 32 - 20 = 12 था, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इज 10 12 15 9 20। स्पाइन वाले नर्व्स कितने होते हैं, नहीं वो मुझे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये रहता है 30 से 35 सेकेंड का डिफरेंस रहता है भाई, ठीक है, 30 से 35 सेकेंड का थोड़ा सा इश्यू रहता है आपके और मेरे, मतलब इसमें, चलिए सभी का स्वागत है। चलिए स्पाइनल नर्व्स की बात करते हैं सर, अगर नर्व सेल की हम बात करें, दो जगह होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल, ठीक है। ब्रेन में आपके कितने होते हैं बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है, 12, ठीक है, 12 पेयर्स। स्पाइनल में आपके 31 पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ब्रेन में आपके 12 पेयर्स होते हैं। स्पाइनल में कितने हुए, 31 पेयर्स, कहीं ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके ब्रेन, ठीक है। बोन फाउंड इन लेग ऑफ अ मैन, अच्छा, मनुष्य के हड्डियों में जो पैर में कैसी हड्डियां पाई जाती, बताइए। ये आपके घटना चक्र में गलत दिया हुआ है, इसको सुधार कर लीजिएगा। चलिए तो ये आपकी कैसी होती है, हॉलो होती है, ये हॉलो ही होता है, ठीक है, ये हॉलो होता है, सॉलिड नहीं होता है, ध्यान दीजिए। अल्फा कैरेटिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड स्किन लिम्फ और एग, ये अल्फा कैरेटिन कहाँ पाया जाएगा भैया, बताओ थोड़ा सा सोच समझ के, अच्छे से बताओ। देखो अगर केराटिन की बात करें, हेयर्स में, नेल्स में, स्किन, ठीक है, अल्फा केराटिन सर, अल्फा केराटिन सर स्किन, ठीक है। इच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व्स, नर्व्स का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, बताइए। स्वान सेल तो होती है, स्वान सेल के साथ साथ आपके, ठीक है, माइलिन शीथ, स्वान सेल माइलिन शीथ सेल, यही तो आपको क्या करती है,
इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से आपको कौन एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यही तो करता है, तो ये तो होगा ही सर। स्मूथ मसल्स नहीं होती हैं, क्योंकि अगर आप रियल में देखोगे स्मूथ मसल्स ना, तो ये आपके मस्कुलर टिश्यू का पार्ट आएगा, मस्कुलर टिश्यू का पार्ट आएगा, और आपके जो ये ऑर्गन्स होते हैं जैसे एसोफेगस होता है और सारी चीजें, वहां पे आपके स्मूथ मसल्स ही पाई जाती है। ठीक है, चल। इन ह्यूमन बॉडी व्हाट इज द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, मतलब जो आपके वर्टिब्रे जो है सर्वाइकल वाले, आपके कितने पाए जाते हैं, अगर उनकी संख्या आप देखोगे तो जल्दी से मुझे बताइए। ठीक है, सर्वाइकल थोराइक लुम्बनर सैक्रम कॉर्टेक्स, सात थोराइक पांच लुम्बनर बारह, ठीक है, ठीक है, कितने होते हैं आपके थोराइक पांच लुम्बनर बारह सैक्रम पांच और सॉरी हाँ और आप कॉर्टेक्स चार। अच्छा एक चीज और है, इसमें कोई बता सकता है इसमें कहीं पे कुछ एक और चीज होनी चाहिए, कोई बता सकता है अपने दिमाग से कि सर यहाँ पे आपने ये लिखा है और ये होना चाहिए, कोई बता दो, कोई बता दो, कोई ऐसा इशू नहीं है, जल्दी बताइए। तो जानते हो इसके आपको जो है ना, ये इसके आपको काफी भी कहीं कहीं कुछ यहाँ पे और भी दिखेगा, जैसे कहीं कहीं आपको जगह पढ़ोगे तो आपको जो ये थोराइक वाला है वो 12 दिख जाएगा और लुम्बनर आपको 5 दिखता है, जैसे L5 आप देखते हो। ठीक है, तो मुझे जल्दी से बताइए यहाँ पे कहीं आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि सर थोड़ा सा तो यहाँ पे मुझे इशू लग रहा है, सर आपने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बता दो, अगर कोई भी बताइए, ये मेरा आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, बताइए। चलिए कोई बता पाया अभी तक, देखते हैं, कोई बता ही नहीं पाया अभी यार। चल अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, ये इधर होता है ये इधर होता है, अब क्लियर हुआ, मतलब आप सर अगर याद करना होगा तो CLTSC याद करोगे। ठीक है, उसमें होता क्या है, थोराइक आपको जो होते हैं ये आपके कितने होते हैं सर, जो ये थोराइक होता है मैं लिख देता हूँ C7। ठीक है, आपके फिर आपके थोराइक की जगह L5, ठीक है, T आपके 12, उसके बाद सैक्रम 5 और कॉर्टेक्स 4। जब आप क्या होते हो, जब आप बच्चे रहते हो तो 5 और 4 होती है, जैसे ही बड़े होते हो ना ये एक हो जाती है, ये एक हो जाती है, इसीलिए आपने देखा होगा पहले 33 होती है, बाद में ये फ्यूज होने के बाद कितनी हो जाती है आपकी 26 हो जाती है। ऐसा कभी देखा है आपने, किसी ने भी ऐसा कभी सुना? ठीक है, तो सर आपका किसका पूछा था, सर्वाइकल पूछा था, तो सर ये आपके साथ हो जाएंगे, बताओ यहाँ तक क्लियर। चलिए कार्टिलेज ब्लड और न्यूरॉन्स बताओ, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, बताइए। बताइए जल्दी से, सोच समझ के बताइएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ।
बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आपको दिया गया भैया। बताओ। अच्छा सुना है? अच्छा ये पिछला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा कि नहीं? मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपने यहाँ पे शायद वो नहीं देखा। ठीक है ये तो सही है, लेकिन सीक्वेंस अगर देखोगे ना, TTLSC होता है ये, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीक्वेंस है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका सीक्वेंस होता है, मैंने ऐसे लिख दिया है, बट सीक्वेंस आपका रियल ये है, तो भैया आप ऐसे कर लो। ठीक है ये आपका भैया सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि एल पहले लिख देना, CTL होता है, CTLSC ऐसे याद कर लीजिए, CTLSC। तो यहीं पे आपको मैंने लिख दिया था, देखिए यहाँ चेंजिंग थी। ठीक है टी की जगह 12, एल की जगह 5। ठीक है चल आइए अब इसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर हम बेसिकली बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की, कौन कौन से होते हैं सर? पहला आपका होता है ब्लड, दूसरा होता है कार्टिलेज, तीसरा होता है एडिपोस। ठीक है चौथा कोई बता दो अगर भाई कोई अगर होनहार। ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोस और चौथा कौन सा होता है, कोई एक बंदा बता सकता बताइए। देखो इन दोनों में ऑप्शन तो समझ में आ गया होगा। ठीक है कि सर इन दोनों में तो समझ में आ गया सर कि कार्टिलेज और ब्लड है सर, 1 और 2 है ये। चलिए सर ये तो मैं सर बिल्कुल आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। अब ये बताइए चौथा कौन सा हो सकता है, कोई बता सकता है? कोई एक बंदा, क्योंकि ये मैंने अभी आपको परसों वाली या एक दिन पहले वाली क्लास में करा दिया, बताओ पूछ लीजिए, पूरा दिमाग अपना दौड़ा लीजिए, और ये परसों की क्लास में बताया था इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और पूरी थ्योरी पढ़ाई है मैंने, और आप लोग थ्योरी तो देखते नहीं हो भाई, पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है इसकी मैंने, अभी शायद परसों की क्लास में बताया था मैंने। बताइए एनिमल टिश्यू का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस क्लास में तो आप लोग गायब ही थे, तो थोड़ा सा अगर आप बताओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अंदर से। बताइए चलो भैया यही पढ़ाई है, बोन्स, सॉरी बोन्स को सबसे पहले बताया। ठीक है तो थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करिए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि पेपर का पैटर्न इस बार आपने पीसीएस का देखा होगा, समझ में आपको आया होगा चीजें, थोड़ा सा लेवल अब वो नहीं रहा जो पहले था। मेन फंक्शंस ऑफ स्केलेटन इज, स्केलेटन का मेन फंक्शंस क्या होता है ये आपको स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाना है। ठीक है बताइए पहला क्या होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसी में आपके बोन मैरो पाई जाती है, रेड बोन मैरो से आरबीसी। ठीक है और भैया येलो से आपके प्लेटलेट्स WBC, इसका आपको फ्रेम प्रदान करना होता है। ठीक है फ्रेम प्रदान करना होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन बिल्कुल हो गया सर। ठीक है बिल्कुल फ्रेम प्रदान करना ये हो गया सर, भाई आपके जो है बॉडी पार्ट्स को क्या करेगा, ठीक है बॉडी पार्ट्स का प्रोटेक्शन करता है, बॉडी पार्ट्स का क्या करता है प्रोटेक्शन करता है, ये भी सही है। ठीक है कवर द स्कल, स्कल को जाहिर सी बात है आपको ढकता है भैया, हड्डी तो प्रोटेक्शन का काम करता है ना, तो प्रोटेक्शन की वजह से भैया ये उसको कवर कर रहा है सर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ABC तीनों के तीनों इसका जवाब। ठीक है चलिए ये सभी थ्योरी में आपके चलेंगे। सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज बाय ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम, सिलेंड्रिकल लेंस आप किसको पहना दोगे अगर मतलब किसी को कोई समस्या है तो बताइए। बताइएगा एस्टिग्मेटिज्म में इसमें आपको सिलिंड्रिकल लेंस चलेगा। ठीक है मायोपिया में भैया कॉनकेव चलता है, हाइपर मायोपिया में कॉनवेक्स चलता है,
प्रेस बायोपिया में भैया क्या चलता है? बाई फोकल चलता है, बाई फोकल चलता है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाके यूपीपीएससी ट्रिपल एससी आप यहाँ गोल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आप डाल के, ठीक है, ईमेल आईडी वेरीफाई करके वॉच फ्री क्लासेस आप देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस आपको मेरी 8 बजे मिल जाएंगी, और बेनिफिट आप देख सकते हो, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस कोर्स के द्वारा चीजें, रेज योर हैंड्स का ऑप्शन, नेवर मिस अ क्लास का आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, अपकमिंग क्लासेस का लेक्चर नोट्स, और आपको बहुत कुछ आपको मिलता है। रिकॉर्डेड सेशन, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज, पेडागॉजी के हिसाब से चीजें, मल्टीपल डाउटिंग सेशन, पीडीएफ फॉर्मेट में चीजें, अनलिमिटेड क्विजेस और आपके वर्कशॉप, ये सब कराया। 12 महीने पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन, 24 पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है। ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं, और आप देख रहे हो ये आपको 31 अक्टूबर, ठीक है, आपको 29 से 31 अक्टूबर तक, मतलब कि आपका लास्ट डेट, ठीक है। चलिए अभी पीकेजी क्लास है, ये लीजिए अभी पीकेजी क्लास वैसे है, ठीक है। Who discovered insulin? बताना है इंसुलिन की खोज किसने की थी, बताइए इंसुलिन की खोज किसने किया था। चलिए बिल्कुल हम चलते हैं सर इसकी खोज पे, थोड़ा सा हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत बहुत स्वागत है। इंसुलिन की खोज किसने किया था भैया? तो एफजी बेंटिंग, अगर इनका हम पूरा नाम देखते हैं, ठीक है, तो वो सर बेंटिंग एंड बेस्ट थे, ठीक है, ये याद रखना आप। एडवर्ड जेनर, आपके जो स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, वे आपके स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी, ठीक है, उसके खोजकर्ता माने जाते हैं। एक स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी इन्हें बोला जाता है। रोनाल्ड रॉस क्या ये थे? मलेरिया के ट्रांसमिशन से संबंधित हैं, ठीक है, मलेरिया के ट्रांसमिशन से संबंधित है। अगर हम बात करें सर स्मॉल पॉक्स होता कैसे है भैया, आपका जो स्मॉल पॉक्स होता है वो होता है वेरियोला जोस्टर से होता, वेरियोला जोस्टर से, ठीक है। चलिए विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन एक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन की जैसा काम करता है, ठीक है, ये बताइए आप। और सभी लोग कमेंट किया करिए, ठीक है, मूक दर्शक मूक बना रहा करिए, कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए भैया विच ऑफ द वन इज एग्जांपल ऑफ हार्मोन एक्ट्स एज अ प्रोटीन, मैंने आपको बताया था 3 ऐसे हार्मोन है, पहला इंसुलिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, ये आपके 3 हैं। तो आंसर क्या होगा सर, आपका ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। केराटीन आपको पता है हेयर नेल्स एंड स्किन, ठीक है। चलिए कैसीन प्रोटीन है जो आपके क्या करता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। विच इज द सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी रेगुलेट एंग्री वाटर बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर, आपके दिमाग में ऐसा कौन सा जगह है, या ऐसे कह लो पूरे बॉडी में, जो आपको इन सब चीजों को बैलेंस करके रखता है। चलिए
बिल्कुल, आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसे हम कहते हैं आपका थ्रस्ट सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर, उसके बाद आप कह सकते हो कि सर फीलिंग, इमोशन, ठीक है, आपको बॉडी टेम्परेचर बैलेंस, सब इसी का काम होता है, ठीक है। बिल्कुल, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस, ठीक है। वेंस में आपको पता है आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी फ्लो होती है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। थैलेमस आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, जो महसूस करते हो वो इसी का काम होता है, बट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन बॉडी, बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, जो इसको गलत करेगा फिर वो समझ लीजिए मतलब पढ़ाई लिखाई वो करता नहीं है बस, ठीक है। तो बताइएगा थोड़ा सा, देखिए अगर हम थायरोक्सिन की बात करें, ये आपको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और एक नाम आता है हार्ट बीट का, बिल्कुल, ठीक है। ग्लूकेगॉन की बात करें तो आपके जो शरीर में जो ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज में बदलने का काम इसी का होता है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल आपको पता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी का ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। चेहरे पे जो एंटी एजिंग चीजें या आपको जो जो आपकी उम्र जो बढ़ जाती है नहीं दिखती है, ठीक है, उम पर कम कम लगती है, वो सभी इसी का काम होता है, ठीक है। अब पैराथायराइड हार्मोन की अगर हम बातें करते हैं सर, यही आपको रिलीज करता है PTH, इसे कहते हैं हम लोग पैरा हार्मोन। अब ये क्या करता है भैया, ये आपको कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट को आपके बैलेंस करता है। कैल्शियम का रोल होता है आपकी हड्डी को मजबूती प्रदान करना, ठीक है, और आपके जो फॉस्फेट का रोल होता है, ठीक है, वो क्या करना होता है सर, आपके हड्डियों का फॉर्मेशन करना, ये इसका काम होता है। तो सर ये आपका क्या हुआ, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथार्मोन इसे कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज ऑकर्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बताना है, पंक्तिबद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वृद्धि लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है कहाँ से, जो ये पढ़ा होगा पक्का बताएगा, वृद्धि हार्मोन अगर आप पढ़े होगे तो पढ़ने, और क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताएं। चलिए बहुत अच्छे भैया, देखो मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन भैया आपको पिट्यूटरी से होता है, और आपको पता है ग्रोथ हार्मोन की अगर दो चीजें होती हैं, ठीक है, अगर कम निकल रहा है, बिल्कुल पिट्यूटरी मतलब मास्टर ग्लैंड, बहुत अच्छे, अगर ये कम है और ये आपका ज्यादा है, कम से आपका बौनापन आएगा, ठीक है, ज्यादा से आपको विशाल कायता आएगी। लेकिन इसी में अगर आपके एक शरीर के साथ साथ एक भाग बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाता है एक भाग, अगर आपको बढ़ जाए एक अंग बढ़ जाए, ठीक है, तो भैया क्या उससे पाया जाएगा सर, एक्रोमेगली, ठीक है, जैसे खली के अंदर जो बीमारी है, ठीक है, उसका देखो चिन्ह बड़ा है, ठीक है, लंबाई तो है लेकिन चिन्ह भी बहुत बड़ा है। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन आवर, थायराइड ग्रंथि हमारे डैश में स्थित होती है, ठीक है, लीवर, नेक, आर्मपिट्स या नन ऑफ दीज,
चलिए तो भैया थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये आपके नेक में होती है, ठीक है। और ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ना, ठीक है, ये आपकी थायराइड है, इसके पीछे क्या होता है आपका, ये आपको पैराथायराइड होती है। इसको बोलते क्या क्या है, इसको थायराइड को हम बोलते हैं एक नाम, वो नाम आप सुन लो, बटरफ्लाई ग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, बटरफ्लाई ग्लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है, बटरफ्लाई ग्लैंड इसको हम कहते हैं। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक तो मुझे बताए, नहीं ना। द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन, बताना है मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम कौन सी। बताइए मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम कौन सी है। जो भी जिसको डाउट हो वो पूछ लिया करिए आप, ठीक है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट्स कर दिया करो, बाद में कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ मैन, देखिए भैया होता तो एमाइलेस कहते हैं, बेसिकली होना चाहिए था आपका सलाइवरी एमाइलेस। नहीं, इतना किरण जी ऐसा नहीं, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेस आप एक बार थ्योरी वाली क्लासेस देख लें, या इसको एक और नाम बोलते हैं टायली, या ऐप पे आ जाया करो, ऐप पे भी आपको एमसीक्यूज के द्वारा चीजें मिलती हैं। पेप्सिन आपके प्रोटीन, पेप्सिन और रेनिन भैया दोनों प्रोटीन का पाचन, वो भी कहाँ, आपके पेट में, स्टमक में, ठीक है। ट्रिप्सिन आपका क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन करता है, किस चीज का, प्रोटीन का। निकलता कहाँ से है सर, ट्रिप्सिन सर निकल कहाँ से रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। निकलता है आपके पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज के कहाँ से, एफ सेल से, ठीक है। क्या, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में तीन होते हैं, पहला एमाइलेज, ठीक है, जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, दूसरा लाइपेज, और तीसरा सर ट्रिप्सिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये ट्रिप्सिन निकल कहाँ से रहा था, आपके पेनक्रियास के एक्सोक्राइन के एफ सेल भाग से पेनक्रियाटिक जूस निकला, और उसी में आपको मिल गया क्या, ट्रिप्सिन सर। तो ट्रिप्सिन आपको निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में आता है, वो भी आप जान लो, आपके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के भैया डुओडेनम भाग में जाता है, ठीक है, डुओडेनम भाग में जाता है, और वहां से भैया प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता। ना इलियम में तो भैया आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा ना, उसके बाद तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ना, सबसे ज्यादा डाइजेशन आपके ड्यूडेनम में देखने को मिलता है, ठीक है, 95% के आसपास। चलिए ठीक है, डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव, बिल्कुल ये ऐसे कैसे गलत कर रहे हो, यही ठीक है जी। एक बार भैया आप जाके ना देख लीजिए थ्योरी क्लास, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मुझे नहीं लगता इसका किसी कोई सही जवाब दे पाएगा। चलिए, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात आपसे पूछा था, मुझे पता था थ्योरी क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। लीवर, ये आपको एंजाइम ना, ये आपको जूस रिलीज करता है, और भैया ये तो बाइल जूस का काम है कि जाके फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। कहीं आपने ऐसा सुना है क्या कि एंजाइम तो भैया पाचन करा रहा है ना, ये तो इमल्सिफिकेशन कराता है, पाचन तो लाइपेज कराता था फैट का, ठीक है, ये तो उसको तोड़ रहा है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स, बिल्कुल आपको पता है यहाँ पे आपको क्या पा रहा था, टाइलिन निकल रहा था। ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आप भूल गए क्या, यहाँ से आपको सुक्रेज,
लैक्टेज माल्टेज, क्या आप भूल गए इतना जल्दी, भूल गए आप लोग ये। पेनक्रियास तो अभी मैंने बता दिया भैया, एक्सो इसको तो इसीलिए हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है मिक्स ग्लैंड। ये भैया एक्सो और एंडो दोनों ग्लैंड आपको यहाँ पाई जाती है, ठीक है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बस प्रैक्टिस करिए, बाकी हो जाएगा यार, बहुत टफ नहीं है चीजें। क्वेश्चन आपको इसी में घुमाएगा और आपको लगता है कि सर ये तो बहुत बाहर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, अब बताओ ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है। मैं इतनी बार अभी आपको समझा दिया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना आप समझ जाओगे कि सर इसका होता क्या फंक्शन। चलिए फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का जो फंक्शन है वो होता क्या है सर, आपका ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है भैया। देखो फैट तो नहीं होगा सर, फैट तो लाइपेस का काम था, ठीक है। सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। कार्बो का सर ये एमाइलेस का काम है, एंटाइलीन का काम है, तो सर बचा क्या, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन ही तो सर ये यहाँ बच रहा है। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया, सटीक आ गया, ठीक है। चलिए द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, आपको बताना है इंसुलिन में मौजूद जो मेटल है, ट्रेस मेटल है, वो कौन सा है। मतलब उसके जरूरत से ही आपको काम आपका सारा यहाँ से निकल पाएगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत ही कम मात्रा में भले हैं या इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो वो रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन किसी भी तरह आपसे घुमा के पूछा जाए। बताइए, चलिए तो आपको पता है ये जिंक होता है, और आपको पता है इसीलिए आप जब देखे होगे अभी कोरोना के टाइम में जिंक का बड़ा सेवन कर रहे थे, ये इम्यूनिटी को भी आपके बूस्ट करता है, ठीक है। साथ साथ आपके विटामिन सी जो है ना वो भी यूज कर रहे थे, ये दोनों मिलके सुचारू रूप से, क्योंकि विटामिन सी भी आपके इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं आपकी जगह मैनेज करता है, ठीक है। और कोबाल्ट किसमें पाया जा रहा है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन पूछा जाता है, B12 होते हैं। आयरन, आयरन की भैया कमी से एनीमिया, और आपको पता है B9 जिसे हम कहते हैं क्या, फोलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है, इसे फोलिक एसिड, इसे साइनोकोबालामिन, साइनोकोबाला, ठीक है कोबालामिन, ठीक है ये याद रखिए। द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बताना शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का जवाब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है बहुत अच्छे, ठीक है अच्छा लगता है जो आप लोग देते हो ना इसे, बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है चलिए बिल्कुल बहुत अच्छे। देखिए बॉडी टेम्परेचर अभी बात हुई थी सर, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी आपके एक तरह से कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हो, ठीक है मास्टर ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे भैया ये भी याद रखो, इसको आप कहते हो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, भाई मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे तो कहते हो आप। पीनियल आपको क्या करता है सर, ये पीनियल आपका स्लीपिंग पैटर्न को देखता है, ठीक है आपके स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है स्लीपिंग पैटर्न, इसे हम भैया थर्ड आई कहते हैं,
ये आपके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है, आप कभी भी किसी भी टाइम सो, लेकिन अब सुबह जो आदत होगी उसी टाइम पे अपने आप उठ जाओगे। 5 बजे, अगर आप 2 बजे सोते हो, अगर आदत आपकी 5 बजे है तो आप 5 बजे उठ जाओगे। ठीक है, थायराइड की सर बात करते हैं, ये थायरोक्सिन निकालता है। थायरोक्सिन सर ये आपको कम और ज्यादा की बात करते हैं तो कम हो गया, और ये आपके ज्यादा की बात हो गया। कम से सर आपको एक डिजीज होती है ग्वाइटर, ठीक है, मिक्सेडेमा, ठीक है, हाशिमोटो, और उसके बाद आपके बच्चों में क्रेटिनिज्म, जो सर बड़ा हो जाता है, जड़ माना होता है। जब ज्यादा होता है तो ग्रेव डिजीज होती है। ग्रेव डिजीज मतलब कहते हैं सर मेंढक जैसी आंखें, ज्यादा हो जाएगा तो मेंढक जैसी आंखें आपकी हो जाती है। ठीक है, हाँ, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। Which of the following hormone is released in excess quantity during excitement? Excitement के समय आपको कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है? चलिए, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, सेक्स हार्मोन, एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, एड्रिनल ये भैया बिल्कुल एड्रेनलिन मेडुला के भाग से निकलता है। कॉर्टिसोन बिल्कुल ये बच्चों में पाया जा रहा है, ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब अगर एक बात करते हैं, ये बताइए, ठीक है, सेरोटोनिन की बात करते हैं। सेरोटोनिन की कौन बता रहा था सर? फीलिंग गुड हार्मोन, ठीक है सर, फीलिंग गुड हार्मोन ये कहाँ से निकलता है सर? ये बिल्कुल आपके पीनियल से ही तो निकलता है। 98% भाग आपका मेलाटोनिन, 2% आपका सेरोटोनिन, ठीक है, बिल्कुल हुआ। चलिए, तो अगर हम बोलेंगे एक्साइटमेंट के दौरान एड्रिनलिन, और इसी को हम भैया 3F ग्लैंड एड्रिनल को कहते हैं, 4S ग्लैंड कहते हैं, डू और डाई हार्मोन, ठीक है, डू और डाई हार्मोन, ठीक है, चौथा इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये सब है, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूं, आप एक बार जाके चेक करें। हाँ, सेरोटोनिन फीलिंग गुड आपके कहां से? पीनियल से निकल, ठीक है। विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ बॉडी, मतलब कौन सा इस जुड़ा हुआ है शरीर की उत्तेजना से? शायद अभी हमने आपको बताया भी है, थोड़ी देर हुआ है सर, थोड़ी देर अभी हुआ है तो आपको मैंने ये चीजें बताई है, बताई अभी थोड़ी मैंने बताया ना। ठीक है, चलिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग बहुत अच्छे, क्योंकि सेक्स हार्मोन यही तो रिलीज कर रहा था, ठीक है, सेक्स हार्मोन यही रिलीज कर रहा था। थायराइड आपका थायरोक्सिन, ठीक है, पेनक्रियास क्या करता था सर? मैं बता चुका हूँ, एंडो एक्सो दोनों इसके हाथ में होते हैं। पिट्यूटरी क्या करता है? अरे सर बहुत ही सिंपल, इसको तो मास्टर कहते हैं, ये सब 13 हार्मोन को रिलीज करता है, 13 हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ग्लैंड और हार्मोन, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल और किडनीज, कॉर्टिसोल, विटामिन डी, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड ग्लूकागॉन। देखिए, कॉर्टिसोल जो होता है वो भैया एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन होता है, पता है, और वो निकालने का काम किसका था? एड्रिनल का था। चलिए सर, ठीक है सर, अगर टीएसएच की बात करेंगे तो पिट्यूटरी का ये कंट्रोलिंग हार्मोन था साहब, ठीक है, तो बिल्कुल सर, हाँ आपने सही कहा सर, ठीक है। 3-1 का आपको यहाँ और यहाँ दो जगह आपको दिख रहा है, 3-1 का, तो सर पेनक्रियास का बता दो सर। पेनक्रियास तो ग्लूकागॉन बना रहा था भैया, ये तो मतलब सभी को पता होगा, तो सर जब ए का चौथा मिल गया सर, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। और आपको नहीं भी आता तो किडनी विटामिन डी का संश्लेषण करती है, ये आपको पता है, ठीक है।
डायबिटीज मेलाइटस ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन, बताना है जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन, किस हॉर्मोन के कमी के कारण ऐसा होता है ये बताइए। तो बता लोगे सब, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो इंसुलिन, इंसुलिन की अगर आपकी कमी है तो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका परिवर्तित नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। जब नहीं परिवर्तित हो पाएगा तो आपको पता है आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, विच फेनोमिना डू बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स, किसी भी चीज को जैसे वो पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो बता सकता है क्या? जैसे अपने वो प्रे पाते हैं ना, मतलब उठान जो से चमगादड़ जा रहा है, ठीक है, तो वो अपना भोजन खुद ले लेता है। पहली चीज ये तो क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। लेकिन डॉल्फिन और हाथी, जहां तक मुझे पता है डॉल्फिन एंड हाथी आपके इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, डॉल्फिन एंड हाथी इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, बैट्स अल्ट्रासोनिक का यूज कर रहा था। तो सर ये इकोलोकेशन होती है, इकोलोकेशन मतलब क्या होता है भैया, कि आपका ये गया टकराया, टकरा कर वापस आया, ये तो यही आपको पता कर लेते हैं कि कितना दूर है। अरे भैया रिफ्रैक्शन कैसे लगाओगे, गलत है ना। In which one of the following is swim bladder absent? किसमें आपको swim bladder होते ही नहीं है, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग का भी दे दिया हूं। बताइए swim bladder किसमें होते नहीं है? सर ये तो आपके cartilaginous fish में नहीं, ठीक है, नवंबर से आपकी टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है, नवंबर से टॉपिक वाइज चलेगा, ये मान के चलो प्रॉपर आपका जो है दिवाली के बाद सब चीजें स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल, तो नवंबर मतलब आपके आ रहा है ना एक तारीख, तो आपसे प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे चीजें, ठीक है, और चलेंगे उसी हिसाब से। बाइल इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियास। बिल्कुल आपके आरओ यारो के लिए एकदम तगड़े तरीके से लगा जाएगा और बिल्कुल हम लोग तैयारी किया जाएगा बहुत अच्छे से, और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे कोई भी, सब क्लियर होगा। चलिए, अगर हम बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो सर लीवर होता है, और सर बाइल ये आपके जाके स्टोर कहाँ होता है? सर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ होता है सर? सर ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। Which one of the following is the smallest endocrine gland in human body? सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो सर सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सर देखो ऑप्शन में तो है नहीं, वैसे होता कौन सा है? पीनियल होता है, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पिट्यूटरी मारेंगे। थायराइड आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्टेड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड? मैंने आपको बताया था जब आप व्रत रहते हो, पहली बात तो ये स्टोर कहाँ होता था? ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर, पहली बात तो यही जान लो। तो आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज परिवर्तित कर रहा है तो भैया ये तो लीवर ही करेगा, ठीक है सर। प्यूरिफाइज द ब्लड, ब्लड में भैया जो भी आपके टॉक्सिसिटी है वो प्यूरिफाई कौन करता है? लीवर ही तो करता है, तो सर लीवर हो गया। इसका क्या होता है सर? ठीक है, इसका होता है सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, परानिस्पंदन का कार्य करता है। लंग्स क्या करता है सर? आपके मतलब आपके जो एयर गैस जो गैसेस जो होता है वो प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है, कैसे इसको प्यूरिफाई कर। Which of the following is not an endocrine gland? Pituitary, thyroid, adrenal or spleen? निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? चलो भैया
बिल्कुल सर, आपका तो पिट्यूटरी भी था सर, थायराइड सर, स्प्लीन सर नहीं है सर, ना ना सर, बिल्कुल स्प्लीन सर है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल, इसे तो कहते हैं हम लोग, क्या इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पूछा नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दे, बताइए भैया, समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल सर, स्प्लीन कैसे हो जाएगा, बाकी तुम लोग पढ़ते ही। ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, मैंने आपको एक चीज बताई होगी, ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज करने का काम करता है। ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन आपके मिल्क रिलीज करने का काम करता है। प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन का काम करता है, लेकिन ये लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से तो निकलेगा, मेमरी ग्लैंड से थोड़ा, मेमरी ग्लैंड का काम होता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना। ठीक है, मतलब वो आपके नलिकाएं आपके मेमरी के थ्रू आपके ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, बिल्कुल, आपके ये भी कह सकते हो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं ना। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, बताना है थाइमस ग्रंथि द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन का क्या नाम है? अब ये आपको बताना, मतलब बिल्कुल आसान चीज, थाइमोसिन, और आपको ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन का काम देता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन का काम देता है, मतलब करता है। ठीक है, ये आपके लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज द काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये तीनों आपके क्या होते हैं सर? ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन जैसा काम करते हैं, तो इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, जल्दी बताइए, हार्मोन लगाओगे कि प्रोटीन, जल्दी बताइए, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, हार्मोन लगाओगे कि प्रोटीन, जल्दी से बताना। तो सर आप हार्मोन लगाएंगे, लेकिन चलिए तो बिल्कुल हम चलते हैं सर इसकी खोज पे, थोड़ा सा हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत बहुत स्वागत है। इंसुलिन की खोज किसने किया था भैया? तो एफजी बेंटिंग, अगर इनका हम पूरा नाम देखते हैं, ठीक है, तो वो सर बेंटिंग एंड बेस्ट थे। ठीक है, ये याद रखना आप। एडवर्ड जेनर, आपके जो स्मॉल पॉक्स था, ठीक है, वे आपके स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी, ठीक है, उसके खोजकर्ता माने जाते हैं, स्मॉल पॉक्स के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी इन्हें बोला जाता है। रोनाल्ड रॉस क्या ये थे? मलेरिया के ट्रांसमिशन से संबंधित हैं, ठीक है, मलेरिया के ट्रांसमिशन से संबंधित हैं। अगर हम बात करें सर स्मॉल पॉक्स होता कैसे है, भैया आपका जो स्मॉल पॉक्स होता है वो होता है वेरियोला जोस्टर से होता है, वेरियोला जोस्टर से, ठीक है। चलिए, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्मोन एक्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन की जैसा काम करता है, ठीक है, ये बताइए आप। और सभी लोग कमेंट किया करिए, ठीक है, मूक दर्शक मूक बना रहा करिए, कमेंट किया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए भैया, विच ऑफ द वन इज एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन एक्ट्स एज अ प्रोटीन, मैंने आपको बताया था तीन ऐसे हार्मोन है, पहला इंसुलिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सोमैटो ट्रॉपिन, ठीक है, ये आपके तीन है। तो आंसर क्या होगा सर आपका, ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन पाचन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन डाइजेशन के लिए, बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है, हाँ बिल्कुल। केराटीन आपको पता है, हेयर नेल्स एंड स्किन, ठीक है। चलिए, कैसीन प्रोटीन है जो आपके क्या करता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। Which is the center of human body regulate angry water balance and body temperature? आपके दिमाग में ऐसा कौन सा जगह है, या ऐसे कह लो पूरे बॉडी में, जो आपको इन सब चीजों को बैलेंस करके रखता है?
बिल्कुल, आपका हाइपोथैलेमस होता है, इसे हम कहते हैं आपका थर्स्ट सेंटर, थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, उसके बाद आप कह सकते हो कि सर फीलिंग, इमोशन, ठीक है, आपको बॉडी टेम्परेचर बैलेंस, सब इसी का काम होता है, ठीक है। बिल्कुल, बॉडी टेम्परेचर बैलेंस, ठीक है। वेंस में आपको पता है आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी फ्लो होती है। मेडुला ओब्लॉन्गेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस, मतलब आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। थैलेमस आपका एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो महसूस करते हो वो इसी का काम होता है, बट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करना हाइपोथैलेमस का काम होता है, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन बॉडी, बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, बताइए। मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ये तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया, जो इसको गलत करेगा फिर वो समझ लीजिए मतलब पढ़ाई लिखाई वो करता नहीं है बस, ठीक है। तो बताइएगा थोड़ा सा, देखिए अगर हम थायरोक्सिन की बात करें, ये आपको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और एक नाम आता है हार्ट बीट का, बिल्कुल, ठीक है। ग्लूकेगॉन की बात करें तो आपके जो शरीर में जो ग्लाइकोजेन है, ग्लाइकोजेन में ग्लूकोज में बदलने का काम इसी का होता है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल आपको पता है ये क्या करता है, आपकी बॉडी का ग्रोथ का काम करता है, ठीक है। चेहरे पे जो एंटी एजिंग चीजें या आपको जो जो आपको उम्र जो बढ़ जाती है नहीं दिखती है, ठीक है, उन पर कम लगती है, वो सभी इसी का काम होता है, ठीक है। अब पैराथायराइड हार्मोन की अगर हम बातें करते हैं सर, यही आपको रिलीज करता है PTH, जिसे कहते हैं हम लोग पैरा हार्मोन। अब ये क्या करता है भैया, ये आपको कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट को आपके बैलेंस करता है। कैल्शियम का रोल होता है आपकी हड्डी को मजबूती प्रदान करना, ठीक है, और आपके जो फॉस्फेट का रोल होता है, ठीक है, वो क्या करना होता है सर, आपके हड्डियों का फॉर्मेशन करना, ये इसका काम होता है। तो सर ये आपका क्या हुआ, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथार्मोन जिसे कहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज ऑकर्स, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बताना है, पंक्तिबद्ध अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वृद्धि लिख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन का उत्पादन होता है कहाँ से, जो ये पढ़ा होगा पक्का बताएगा, वृद्धि हार्मोन अगर आप पढ़े होगे तो पढ़, और क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताएं। चलिए बहुत अच्छे भैया, देखो मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन भैया आपको पिट्यूटरी से होता है, और आपको पता है ग्रोथ हार्मोन की अगर दो चीजें होती है, ठीक है, अगर कम निकल रहा है, बिल्कुल पिट्यूटरी मतलब मास्टर ग्लैंड, बहुत अच्छे, अगर ये कम है और ये आपका ज्यादा है, कम से आपका बौनापन आएगा, ठीक है, ज्यादा से आपको विशाल कायता आएगी। लेकिन इसी में अगर आपके एक शरीर के साथ साथ एक भाग बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ जाता है एक भाग, अगर आपको बढ़ जाए एक अंग बढ़ जाए, ठीक है, तो भैया क्या उससे पाया जाएगा सर, एक्रोमेगली, ठीक है, जैसे खली के अंदर जो बीमारी है, ठीक है, उसका देखो चिन्ह बड़ा है, ठीक है, लंबाई तो है लेकिन चिन्ह भी बहुत बड़ा है। थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन आवर, थायराइड ग्रंथि हमारे डैश में स्थित होती है, ठीक है, लीवर, नेक, आर्मपिट्स या नन ऑफ दीज,
चलिए तो भैया थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, ये आपके नेक में होती है, ठीक है। और ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ना, ठीक है, ये आपकी थायराइड है, इसके पीछे क्या होता है आपका, ये आपको पैरा थायराइड होती है। इसको बोलते क्या क्या है, इसको थायराइड को हम बोलते हैं एक नाम, वो नाम आप सुन लो, बटरफ्लाई ग्लैंड। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे, बटरफ्लाई ग्लैंड इसको बोला जाता है, ठीक है, बटरफ्लाई ग्लैंड इसको हम कहते हैं। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक तो मुझे बताए, नहीं ना। द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ मैन, बताना है मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम कौन सी। बताइए मनुष्य के लार में मौजूद एंजाइम कौन सी है। जो भी जिसको डाउट हो वो पूछ लिया करिए आप, ठीक है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो कमेंट्स कर दिया करो, बाद में कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो। दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ मैन, देखिए भैया होता तो एमाइलेस कहते हैं, बेसिकली होना चाहिए था आपका सलाइवरी एमाइलेस। नहीं, इतना किरण जी ऐसा नहीं, ठीक है, सलाइवरी एमाइलेस। आप एक बार थ्योरी वाली क्लासेस देख लें, या इसको एक और नाम बोलते हैं टायली, या ऐप पे आ जाया करो, ऐप पे भी आपको एमसीक्यूज के द्वारा चीजें मिलती हैं। पेप्सिन आपके प्रोटीन, पेप्सिन और रेनिन भैया दोनों प्रोटीन का पाचन, वो भी कहाँ, आपके पेट में, स्टमक में, ठीक है। ट्रिप्सिन आपका क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन करता है, किस चीज का, प्रोटीन का। निकलता कहाँ से है सर, ट्रिप्सिन सर निकल कहाँ से रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। निकलता है आपके पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज के कहाँ से, एब सेल से, ठीक है। क्या, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में तीन होते हैं, पहला एमाइलेज, ठीक है, जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, दूसरा लाइपेज, और तीसरा सर ट्रिप्सिन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये ट्रिप्सिन निकल कहाँ से रहा था, आपके पेनक्रियास के एक्सोक्राइन के एफ सेल भाग से पेनक्रियाटिक जूस निकला, और उसी में आपको मिल गया क्या, ट्रिप्सिन सर। तो ट्रिप्सिन आपको निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में आता है वो भी आप जान लो, आपके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के भैया डुओडेनम भाग में जाता है, ठीक है, डुओडेनम भाग में जाता है, और वहां से भैया प्रोटीन का पाचन कर देता है, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता। ना ना, इलियम में तो भैया आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा ना, उसके बाद तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा ना, सबसे ज्यादा डाइजेशन आपके ड्यूडेनम में देखने को मिलता है, ठीक है, 95% के आसपास। चलिए ठीक है, डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव, बिल्कुल, ये ऐसे कैसे गलत कर रहे हो, यही ठीक है जी। एक बार भैया आप जाके ना देख लीजिए थ्योरी क्लास, ठीक है, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, मुझे नहीं लगता इसका किसी कोई सही जवाब दे पाएगा। चलिए, डाइजेस्टिव एंजाइम की बात आपसे पूछा था, मुझे पता था, थ्योरी क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। लीवर, ये आपको एंजाइम ना, ये आपको जूस रिलीज करता है, और भैया ये तो बाइल जूस का काम है कि जाके फैट का इमल्सिफिकेशन कराता है। कहीं आपने ऐसा सुना है क्या कि एंजाइम तो भैया पाचन करा रहा है ना, ये तो इमल्सिफिकेशन कराता है, पाचन तो लाइपेज कराता था फैट का, ठीक है, ये तो उसको तोड़ रहा है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स, बिल्कुल आपको पता है, यहाँ पे आपको क्या पा रहा था, टाइलिन निकल रहा था। ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या आप भूल गए क्या, यहाँ से आपको सुक्रेज,
लैक्टेज माल्टेज, क्या आप भूल गए इतना जल्दी? भूल गए आप लोग ये? पेनक्रियास तो अभी मैंने बता दिया भैया, एक्सो इसको तो इसीलिए हम मिक्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, मिक्स ग्लैंड। ये भैया एक्सो और एंडो दोनों ग्लैंड आपको यहाँ पाई जाती है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बस प्रैक्टिस करिए, बाकी हो जाएगा यार, बहुत टफ नहीं है चीजें। क्वेश्चन आपको इसी में घुमाएगा, और आपको लगता है कि सर ये तो बहुत बाहर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, अब बताओ ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? मैं इतनी बार अभी आपको समझा दिया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, आप समझ जाओगे कि सर इसका होता क्या फंक्शन। चलिए, फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन का जो फंक्शन है वो होता क्या है सर? आपका ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है भैया। देखो फैट तो नहीं होगा सर, फैट तो लाइपेस का काम था, ठीक है। सिंथेसिस बिल्कुल नहीं होगा सर, ठीक है। कार्बो का सर ये एमाइलेज का काम है, एंटाइलीन का काम है। तो सर बचा क्या? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन ही तो सर ये यहाँ बच रहा है। बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही हो गया, सटीक आ गया, ठीक है। चलिए, द ट्रेस मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, आपको बताना है इंसुलिन में मौजूद जो मेटल है, ट्रेस मेटल है, वो कौन सा है? मतलब उसके जरूरत से ही आपको काम आपका सारा यहाँ से निकल पाएगा, ठीक है। मतलब आपको बहुत ही कम मात्रा में भले हैं या इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो वो रोल प्ले कर रहा है। क्वेश्चन किसी भी तरह आपसे घुमा के पूछा जाए। बताइए। चलिए, तो आपको पता है ये जिंक होता है, और आपको पता है इसीलिए आप जब देखे होंगे अभी कोरोना के टाइम में जिंक का बड़ा सेवन कर रहे थे, ये इम्यूनिटी को भी आपके बूस्ट करता है, ठीक है। साथ साथ आपके विटामिन सी जो है ना वो भी यूज कर रहे थे, ये दोनों मिलके सुचारू रूप से, क्योंकि विटामिन सी भी आपके इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं आपके जगह मैनेज करता है, ठीक है। और कोबाल्ट किसमें पाया जा रहा है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन पूछा जाता है, B12 होते हैं। आयरन, आयरन की भैया कमी से एनीमिया, और आपको पता है B9 जिसे हम कहते हैं क्या, फोलिक एसिड, बिल्कुल ठीक है। इसे फोलिक एसिड, इसे साइनोकोबालामिन, साइनोकोबाला, ठीक है, कोबालामिन, ठीक है, ये याद रखिए। द बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, बताना शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है बताइए। बताइए, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का जवाब बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, अच्छा लगता है जो आप लोग देते हो ना, ऐसे बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छे। देखिए, बॉडी टेम्परेचर अभी बात हुई थी सर, हाइपोथैलेमस, ठीक है, पिट्यूटरी आपके एक तरह से कंट्रोल करता है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हो आप, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। लेकिन यहाँ पे भैया ये भी याद रखो, इसको आप कहते हो मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, भाई मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे तो कहते हो आप। पीनियल आपको क्या करता है सर? ये पीनियल आपका स्लीपिंग पैटर्न को देखता है, ठीक है, आपके स्लीपिंग पैटर्न, ठीक है, स्लीपिंग पैटर्न, इसे हम भैया थर्ड आई कहते हैं,
ये आपके शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है, आप कभी भी किसी भी टाइम सो, लेकिन अब सुबह जो आदत होगी उसी टाइम पे अपने आप उठ जाओगे। 5 बजे अगर आप 2 बजे सोते हो, अगर आदत आपकी 5 बजे है तो आप 5 बजे उठ जाओगे। ठीक है, थायराइड की सर बात करते हैं, ये थायरोक्सिन निकालता है। थायरोक्सिन सर ये आपको कम और ज्यादा की बात करते हैं तो कम हो गया, और ये आपके ज्यादा की बात हो गया। कम से सर आपको एक डिजीज होती है गोइटर, ठीक है, मिक्सेडेमा, ठीक है, हाशिमोटो, और उसके बाद आपके बच्चों में क्रेटिनिज्म, जो सर बड़ा हो जाता है, जड़माना होता है। जब ज्यादा होता है तो ग्रेव डिजीज होती है। ग्रेव डिजीज मतलब कहते हैं सर मेंढक जैसी आंखें, ज्यादा हो जाएगा तो मेंढक जैसी आंखें आपकी हो जाती है। ठीक है, हाँ, जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज इन एक्सेस क्वांटिटी ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के समय आपको कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा निकलता है? चलिए, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करते हैं, सेक्स हार्मोन, एड्रिनलिन कॉर्टेक्स, एड्रिनल ये भैया बिल्कुल एड्रिनलिन मेडुला के भाग से निकलता है। कॉर्टिसोन बिल्कुल ये बच्चों में पाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब अगर एक बात करते हैं, ये बताइए, ठीक है, सेरोटोनिन की बात करते हैं। सेरोटोनिन के कौन बता रहा था सर? फीलिंग गुड हार्मोन। ठीक है सर, फीलिंग गुड हार्मोन ये कहाँ से निकलता है सर? ये बिल्कुल आपके पीनियल से ही तो निकलता है। 98% भाग आपका मेलाटोनिन, 2% आपका सेराटोनिन। ठीक है, बिल्कुल हुआ। चलिए, तो अगर हम बोलेंगे एक्साइटमेंट के दौरान एड्रिनलिन, और इसी को हम भैया 3F ग्लैंड एड्रिनल को कहते हैं, 4S ग्लैंड कहते हैं, डू और डाई हार्मोन। ठीक है, डू और डाई हार्मोन। ठीक है, चौथा इसको कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये सब है, ये मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार जाके चेक करें। हाँ, सेरोटोनिन फीलिंग गुड आपके कहाँ से? पीनियल से निकल। ठीक है, विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज रिलेटेड टू एक्साइटमेंट ऑफ बॉडी, मतलब कौन सा इस जुड़ा हुआ है शरीर की उत्तेजना से? शायद अभी हमने आपको बताया भी है, थोड़ी देर हुआ है सर, थोड़ी देर अभी हुआ है तो आपको मैंने ये चीजें बताई बताई अभी थोड़ी मैंने बताया ना आपको। ठीक है, चलिए, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला भाग, बहुत अच्छे, क्योंकि सेक्स हार्मोन यही तो रिलीज कर रहा था। ठीक है, सेक्स हार्मोन यही रिलीज कर रहा था। थायराइड आपका थायरोक्सिन। ठीक है, पेनक्रियास क्या करता था सर? मैं बता चुका हूँ, एंडो एक्सो दोनों इसके हाथ में होते हैं। पिट्यूटरी क्या करता है? अरे सर बहुत ही सिंपल, इसको तो मास्टर कहते हैं। ये सब 13 हार्मोन को रिलीज करता है, 13 हार्मोन को रिलीज करता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ग्लैंड और हार्मोन, पेंक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल और किडनीज, कॉर्टिसोल, विटामिन डी, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंड ग्लूकेगॉन। देखिए, कॉर्टिसोल जो होता है वो भैया एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन होता है, पता है, और वो निकालने का काम किसका था? एड्रीनल का था। चलिए सब ठीक है सर। अगर TSH की बात करेंगे तो पिट्यूटरी का ये कंट्रोलिंग हार्मोन था शायद। ठीक है, तो बिल्कुल सर, हाँ आपने सही कहा सर। ठीक है, 3-1 का आपको यहाँ और यहाँ दो जगह आपको दिख रहा है, 3 और 1 का। तो सर पेनक्रियाज का बता दो सर, पेनक्रियास तो ग्लूकेगॉन बना रहा था भैया, ये तो मतलब सभी को पता होगा। तो सर जब ए का चौथा मिल गया सर, यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, और आपको नहीं भी आता तो किडनी विटामिन डी का संश्लेषण करती है, ये आपको पता है। ठीक है,
डायबिटीज मेलाइटस ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, बताना है जो डायबिटीज मेलाइटस है वो ड्यू टू लैक ऑफ सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, किस हार्मोन के कमी के कारण ऐसा होता है ये बताइए। तो बता लोगे सब, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए तो इंसुलिन, इंसुलिन की अगर आपकी कमी है तो आपका जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका परिवर्तित नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में नहीं परिवर्तित हो पाएगा। जब नहीं परिवर्तित हो पाएगा तो आपको पता है आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, विच फेनोमिना डू बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स, किसी भी चीज को जैसे वो पाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं वो बता सकता है क्या? जैसे अपने वो प्रे पाते हैं ना, मतलब उठान जो से चमगादड़ जा रहा है, ठीक है, तो वो अपना भोजन खुद ले लेता है। पहली चीज ये तो क्या होता है, ये अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। लेकिन डॉल्फिन और हाथी, जहां तक मुझे पता है डॉल्फिन एंड हाथी आपके इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, डॉल्फिन एंड हाथी इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, बैट्स अल्ट्रासोनिक का यूज कर रहा था। तो सर ये इको लोकेशन होती है, इको लोकेशन मतलब क्या होता है भैया, कि आपका ये गया टकराया, टकरा कर वापस आया, ये तो यही आपको पता कर लेते हैं कि कितना दूर है। अरे भैया रिफ्रैक्शन कैसे लगाओगे, गलत है ना। In which one of the following is swim bladder absent? किसमें आपको swim bladder होते ही नहीं है, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग का भी दे दिया हूं। बताइए swim bladder किसमें होते नहीं है? सर ये तो आपके cartilaginous fish में नहीं, ठीक है, नवंबर से आपकी टॉपिक वाइज चलेगी, ठीक है, नवंबर से टॉपिक वाइज चलेगा, ये मान के चलो प्रॉपर आपका जो है दिवाली के बाद से चीजें स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल तो नवंबर मतलब आपके आ रहा है ना एक तारीख, तो आपसे प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे चीजें, ठीक है, और चलेंगे उसी हिसाब से। बाइल इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट और पेनक्रियास, बिल्कुल आपके आरओ यारो के लिए एकदम तगड़े तरीके से लगा जाएगा, और बिल्कुल हम लोग तैयारी किया जाएगा बहुत अच्छे से, और टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक आपको क्लियर किया जाएगा, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे कोई भी, सब क्लियर होगा। चलिए अगर हम बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, तो सर लीवर होता है, और सर बाइल ये आपके जाके स्टोर कहाँ होता है? सर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। कहाँ होता है सर? सर ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? तो सर सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो सर देखो ऑप्शन में तो है नहीं, वैसे होता कौन सा है? पीनियल होता है, ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पिट्यूटरी मारेंगे। थायराइड आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कन्वर्टेड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड प्यूरिफाइज द ब्लड, मैंने आपको बताया था जब आप व्रत रहते हो, पहली बात तो ये स्टोर कहाँ होता था? ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लीवर, पहली बात तो यही जान लो। तो आपको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज परिवर्तित कर रहा है तो भैया ये तो लीवर ही करेगा, ठीक है सर। प्यूरिफाइज द ब्लड, ब्लड में भैया जो भी आपकी टॉक्सिसिटी है वो प्यूरिफाई कौन करता है? लीवर ही तो करता है, तो सर लीवर हो गया। इसका क्या होता है सर? ठीक है, इसका होता है सर ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता है, परानिस्पंदन का कार्य करता है। लंग्स क्या करता है सर? आपके ऑक्सी मतलब आपके जो एयर गैस जो गैसेस जो होता है वो प्यूरिफाई कर देता है, ठीक है, कैसे इसको प्यूरिफाई कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और स्प्लीन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? चलो भैया
बिल्कुल सर, आपका तो पिट्यूटरी भी था सर, थायराइड सर, स्प्लीन सर नहीं है ना, ना सर, बिल्कुल स्प्लीन सर है ही नहीं, ठीक है बिल्कुल। इसे तो कहते हैं हम लोग क्या, इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पूछा नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से मुझे इसका जवाब दे, बताइए भैया समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल सर, स्प्लीन कैसे हो जाएगा, बाकी तुम लोग पढ़ते ही है, ठीक है। लैक्टोजेनिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, मैंने आपको एक चीज बताई होगी, ऑक्सीटोसिन मिल्क रिलीज करने का काम करता है, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन आपके मिल्क रिलीज करने का काम करता है, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, प्रोलैक्टिन फॉर्मेशन का काम करता है। लेकिन ये लैक्टोजेनिक हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से तो निकलेगा, मेमरी ग्लैंड से थोड़ा, मेमरी ग्लैंड का काम होता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ठीक है, मतलब वो आपके नलिकाएं आपके मेमरी के थ्रू आपके ब्रेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग होती है। स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं, बिल्कुल आपके ये भी कह सकते हो, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं ना। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, बताना है थाइमस ग्रंथि द्वारा प्रोड्यूस हार्मोन का क्या नाम है? अब ये आपको बताना मतलब बिल्कुल आसान चीज, थाइमोसिन, और आपको ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन का काम देता है, टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योरेशन का काम देता है मतलब करता है, ठीक है। ये आपके लास्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज द काइंड ऑफ, मैंने आपको बताया था इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये तीनों आपके क्या होते हैं सर? ऐसे हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन जैसा काम करते हैं, तो इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, जल्दी बताइए, हार्मोन लगाओगे कि प्रोटीन, जल्दी बताइए, इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, हार्मोन लगाओगे कि प्रोटीन, जल्दी से बताना। तो सर आप हार्मोन लगाएंगे, लेकिन एक्स एज अ, बिल्कुल आप लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, गेट स्टार्टेड ऑप्शन में जाइए, मोबाइल नंबर वेरीफाई कराइए, ठीक है, UPSC सी कैटेगरी गोल सेलेक्ट करिए, फ्री क्लासेस आप देख सकते हैं, और किसी भी क्लास से जुड़ने के लिए शांत 01 कोड का यूज भी कर सकते हैं, भी आपको मिलते हैं अगर आप हमारे साथ ऐप पे जुड़ते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, मल्टीपल कोर्सेस पेडागॉजी के हिसाब से चीज़ें, ठीक है, सिलेबस का ग्रुप आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, स्ट्रेटजी सेशन, PDF फॉर्मेट चीज़ें, और मल्टीपल डाउटिंग सेशन, और ये बड़ा बेहतरीन है आपको जैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, प्रोफाइल आप हमारी कम्युनिटी ग्रुप पे जुड़ते हैं, जैसे ही आपका टेस्ट मैं लूँगा, ठीक है, आपको मैं क्या करूँगा, एक कोड आपको दे दूँगा, ठीक है, इस कोड का यूज़ करके आप क्विज भी दे सकते हो, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपको दिया जाता है, ठीक है, ये भी अच्छा है आपके लिए, रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, रैंक के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, और ये हर सन को होता है, तो इसका बेनिफिट उठाइए। ये देख सकते हो प्लस टेस्ट सीरीज है, ये 30 अप्रैल 2 बजे 120 मिनट का, तो बिल्कुल आप ये दीजिए और जाके एनरोल करिए इसको। सारथी बैच को 60 डेज प्रीलिम्स के लिए फ्री मिनी कोर्स भी आपका, अगर हम बात करते हैं सारथी बैच को 60 डेज के लिए, ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन कोर्स इंटरनेशनल रिलेशन पे आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और आपको जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, आपके फाउंडेशन कोर्स साइंस और टेक का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2023 के लिए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, शाम 6 बजे रात 6 बजे आप हमारे साथ जुड़िए, और आप बेहतर तरीके से यहाँ पे प्लस आप हमारे साथ जुड़िए, देख सकते हो रिकॉर्डेड और लाइव सेशन भी आपको मिलते हैं, एग्जाम से संबंधित ये चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, संबंधित भी ये जो भी है, आप ये कोड यूज़ करके Sushant01 सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आपको, आपने सुना था हाल ही में भी भर्ती आने वाली है, ठीक है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी बैचेज आप ले सकते हो Sushant01 कोड का यूज़ करके, और UPSC लोअर PCS RORO UPSI UPSSSC लेखपाल BU ऑप्शनल कोर्स, इन सबकी तैयारी आप Sushant01 कोड यूज़ करके आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सारी चीज़ें आप देख सकते हो, 24 महीने 12 महीने 6 महीने 3 महीने 1 महीने डिवाइड है,
ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे आप करके आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हो। कंबाइंड सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, वो भी आप ले सकते हो। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है UPSC SSC, साथ ही साथ वीडियो का आप कंबाइंड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं सुशांत 01 कोड का यूज़ करके। कोई भी समस्या है तो बक्स बाउंटी पे आप मैसेज डाल सकते हो। कम्युनिटी ग्रुप से सभी एजुकेटर से आप जुड़े, यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे जो जो अपडेशन होगी, देखिए आपको सारी अपडेशन सारे एजुकेटर्स आपको यहाँ पे डाल देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन के माध्यम से हो चाहे वो पोल के माध्यम से हो। ठीक है, 8 बजे आपकी स्पेशल क्लास होती है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी सुशांत पांडे, आप बिल्कुल यहाँ जुड़िए। और सभी को धन्यवाद। फिर कल से आपकी जो 60 डेज प्रोग्राम है, कल से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, और कल से आप लोग जुड़े, आज बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका। ठीक है, आपको जितनी भी बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक है वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो कल आपका जो पहला टॉपिक वो होगा आपका टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आप वो टैक्सोनॉमी टॉपिक आपका है कल का पहला, तो बिल्कुल तैयार करके आप जुड़ें। और इसके साथ साथ आप MCQs भी आपको पढ़ दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू, बाय बाय, थैंक यू।